आदाब। वेर इज माई दिस थिंग वीडियो ऑल्सो आई विल ओपन। ओके तो सॉरी अनिल कुमार साहब फॉर द डिल इन शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर। दिस इज द टेक्नोलॉजी वट वी आर सीइंग द इम्पैक्ट ऑन अवर वर्क ऑल्सो। तो मोजिज नाजरीन वसामीन आदाब। ठीक है साहब। Myself, Dr. Alim Basha from School of Sciences, Manu. We are आज Manu School of Science Ulum की जानिब से पांचवा एन ए फिफ्थ नेशनल उर्दू साइंस कांग्रेस 2021 पहले इजलास बनाम प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स में मैं आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। But today's session, the chairman is Professor Anil Kumar Chaudhary from Central University of Hyderabad. एक माहिर और ज़हीन साइंसदान हैं और वो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एडवांस रिसर्च सेंटर और एडवांस सेंटर ऑफ रिसर्च इन हाई एनर्जी मटेरियल्स में ज़ेरे ख़िदमत हैं। इज वर्किंग देयर एज प्रोफेसर इन दैट सेंटर। आज के इस टेक्निकल सेशन में 8 मखाले हैं एंड टोटल 8 पेपर्स वी हैव और एक खुसूसी लेक्चर होगा। 8 मखालों में 3 असातिज़ा हैं एंड फैकल्टी मेंबर्स 3 मेंबर्स एंड 5 रिसर्च स्कॉलर्स। 5 फिजिक्स रिसर्च स्कॉलर्स अपना मखाला पढ़ेंगे और एक खुसूसी लेक्चर भी होगा जो सदर की जानिब से होगा यानी चेयरमैन वो खुसूसी लेक्चर देंगे। खुसूसी लेक्चर 30 मिनट का होगा, हाफ एन आवर का, और फैकल्टी मेंबर्स को असातिज़ा को सिर्फ 15 मिनट देंगे। 15 मिनट का वक्त होगा उनको वो अपने मकाले पेश करने के लिए और रिसर्च स्कॉलर्स को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट होंगे। तो इस खुसूसी लेक्चर के लिए मैं आवाज़ देना चाहता हूँ आवर प्रोफेसर अनिल कुमार चौधरी साहब को, जिन्होंने अपना, मैं उनका छोटा सा तारुफ पेश करना चाहता हूँ कि वो तारुफ के मोहताज नहीं है और सब जानते हैं उनको। तो वो अपनी पीएचडी जो है नॉन लीनियर ऑप्टिक्स और लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी में बुर्दवान यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल से हासिल की है। इन्होंने तकरीबन 101 रिसर्च पेपर्स पब्लिश करवा चुके हैं इंटरनेशनल जर्नल्स में और 150 से ज्यादा कॉन्फ्रेंस और सेमिनार्स में हिस्सा लिया है। इनकी निगरानी में 5 पीएचडी अवार्ड हो चुके हैं और 6 रिसर्च स्कॉलर्स अभी काम कर रहे हैं, रिसर्च परस्यू कर रहे हैं। इनके रिसर्च स्कॉलर्स जो 5 अवार्ड हो चुके हैं, 2 रिसर्च स्कॉलर्स को बेहतरीन थीसिस अवार्ड भी मिल चुके हैं और इन्हें 6 बेहतरीन पोस्टर अवार्ड्स भी हासिल हो चुके हैं। प्रोफेसर साहब 20 से ज्यादा इंटरनेशनल जर्नल्स के रिव्यूअर भी रह चुके हैं जिनमें मशहूर जर्नल नेचर भी शामिल है। सबसे खुशी की बात है कि इनके पास एक पेटेंट भी मौजूद है जो बीएनए क्रिस्टल बेस्ड ट्राहर्ट्ज जनरेशन पर मबनी है। प्रोफेसर अनिल कुमार चौधरी साहब के रिसर्च फील्ड्स यानी तहकीकी मैदान टाइम डोमेन टेराहर्ट्ज स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ हाई एनर्जी बायोमोलेक्यूल्स एंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, टेराहर्ट्ज इमेजिंग एंड स्टैंड ऑफ डिटेक्शन, पल्स फोटोअकास्टिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्राफास्ट फोटोअकास्टिक स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ हाई एनर्जी मटेरियल्स एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पॉल्यूटेंट्स, डिजाइनिंग ऑफ टेराहर्ट्ज सोर्सेस एंड टेराहर्ट्ज रडार सिस्टम एंड ऑप्टिकल कंपोनेंट्स। दिस आर वेरी यूजफुल एंड रिसर्च फील्ड एंड डेवलपिंग वर्क देयर। प्रोफेसर अनिल कुमार साहब का स्पेशल लेक्चर का आज का उन्वान है डेवलपमेंट ऑफ सम एफिशियंट टेराहर्ट्ज सोर्सेस फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इमेजिंग एप्लीकेशंस इन बायोमेडिकल एंड डिफेंस सिस्टम। तो मैं आप तमाम से ख्वाहिश करता हूँ कि तालियों की गूंज के साथ प्रोफेसर अनिल कुमार को मधु करें और उनका लेक्चर जो स्पेशल खुसूसी लेक्चर है उसको समझने की कोशिश करें।
So now I request Professor Anil Kumar Saab to please share your presentation and enlighten our this thing. Thank you, sir. Thank you, Professor Basa, for a nice introduction. And सबसे पहले मैं Professor Hassan, Professor Basa, Professor Parveen Jahan, Professor Priya Hassan, Dr. Rizwan और ऑर्गेनाइजिंग कमिटी मेंबर्स को मैं अपना धन्यवाद कहूँगा और शुक्रिया कहूँगा मेरे को इस पैनल में आपने मौका दिया लेक्चर देने का. और आई विल ट्राई टू कवर सम ऑफ द रिसर्च एक्टिविटीज विच इज कैरिड आउट इन एक्रहम. एंड दिस एक्टिविटीज बेसिकली रिलेटेड टू डिफेंस एप्लीकेशन एज वेल एज होमलैंड सिक्योरिटी. So whatever the field is very new, so I know a lot of students are also joining. So sorry to disturb you, sir. थोड़ा हिंदी में मिक्स कर लीजिए इसमें. हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा क्योंकि मेरी हिंदी में मतलब ठीक है, मैं बीच बीच में बोलता रहूँगा. तो ये जितना वर्क मैंने हम लोग यहाँ पे मतलब कर रहे हैं सेंटर के अंदर, तो उसी को मैं थोड़ा हाईलाइट करूंगा और इसको थोड़ा मैंने सरल करने मतलब सिंपल करने की कोशिश की है. ठीक है, ठीक है सर. थैंक यू, कैरी ऑन. थैंक यू. हाउ टू कनेक्ट 1 मिनट. उसको जो होस्ट किया ना सर, डिजिबल कर रखा है उसको. शेयर स्क्रीन करने के लिए बोलिए आपको. शेयर स्क्रीन करने के लिए बोलिए. हाँ, आपको ऑप्शन देने के लिए बोलिए. अच्छा, मुझे शेयर स्क्रीन दीजिए मेरे को. दे दी दे. आई हैव गिवन यू परमिशंस. हाँ, करिए आप. यू कैन डू द शेयर स्क्रीन. आइए. सो गुड आफ्टरनून, सलाम, नमस्कार. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन डेवलपमेंट ऑफ एफिशिएंट टेराहर्ट्ज़ सोर्सेज फॉर द स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इमेजिंग एप्लीकेशन इन बायोमेडिकल एंड डिफेंस फील्ड्स. सो लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट आवर यूनिवर्सिटी विच इज वेल नोन इन हैदराबाद. सो नाउ आवर यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो इन शूट ऑफ एमिनेंस. And world ranking is now 106 and in India our ranking is 7. And उससे पहले मैं एक बात बता दूँ, जिस सेंटर में मैं काम करता हूँ, ये सेंटर जो है एक्चुअली हमारे भारत रत्न डॉक्टर कलाम की परिकल्पना थी. तो वो चाह रहे थे कि डिफेंस के लिए एक ऐसा सेंटर यूनिवर्सिटी में खुले जिसके अंदर फंडामेंटल वर्क हो. तो ये सेंटर जो है इसके अंदर एक टीम है, दो टीमें काम करती है. एक फिजिक्स की टीम है और दूसरी केमिस्ट्री की टीम है. केमिस्ट्री में जो स्कॉलर्स और जो प्रोफेसर्स हैं वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करते हैं और वो मॉलिक्यूल का यूज जो है मिसाइल और दूसरे टाइप के प्रोग्राम से यूज होता है. और फिजिक्स के लोगों का काम है जो मॉलिक्यूल्स आते हैं उसकी फंडामेंटल स्टडी करना, उसकी एफिशिएंसी निकालना और दूसरे अदर पैरामीटर्स हैं. तो ये एक लेजर ग्रुप है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला करके ये सेंटर काम करता है. इसके साथ कुछ कंप्यूटर साइंटिस्ट भी इस सेंटर से जुड़े हुए हैं. तो ये थोड़ा पुराना फोटोग्राफ मैं दिखा रहा हूँ, ये 2015 का है जिसमें हमारे भारत रत्न मुखर्जी साहब ने इसमें सर थोड़ा पावर पॉइंट स्लाइड शो में डाल दीजिए साहब इसको. हाँ, ओके. इज इट ओके नाउ? नो नो. F5 दबाइए, प्रेस कीजिए F5. हाँ, आप कैंपस में आएंगे, कैंपस बहुत ही खूबसूरत है और साउथ तरफ रॉक ही रॉक है और इसमें काफ़ी कुछ फ्लोरा फौना भी आपको दिखेंगे और लेक्स भी है सम. तो जब मैंने ज्वाइन किया था सेंटर में उस टाइम जो सेंटर बिल्कुल जीरो पे था और कुछ टारगेट दिया गया था उसमें टेराहर्ट जनरेशन जो था या इसको सिस्टम को बढ़ाने के लिए, तो हम लोगों ने जीरो से अपनी जर्नी स्टार्ट की. एंड वी स्टार्टेड विद LTE एंड SI गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड फोटो कंडक्टिव एंटीना. तो ये एंटीना हमने सेंटर में बनाया. अपार्ट फ्रॉम दैट वी यूज डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन लीनियर क्रिस्टल्स लाइक बीटा गैलियम बोरेट, जिंक टेराइट, जिंक डस्ट, BNA, कैडमियम. तो मैं इसमें काफ़ी कुछ क्रिस्टल जो है इंडिया के अंदर ग्रो होते हैं और हमने उसका पोटेंशियल भी टेस्ट किया.
इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट था वो फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रा था, ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स का, तो उसमें काफी मॉलिक्यूल्स और ड्रग्स इनका भी हमने रिकॉर्डिंग की है। अभी जो हमारा ग्रुप है वो खास करके टेराइड इमेजिंग के अंदर जुड़ा हुआ है। तो मेरा आउटलाइन ऑफ माय टॉक है कि ऑब्जेक्टिव्स, देन आई विल डिस्कस इंट्रोडक्शन एंड व्हाई टेराहर्ट्ज़ ओनली, देन यूज ऑफ टेराइड इन सम बायो एंड होमलैंड सिक्योरिटी, द बेसिक्स ऑफ टेराइड जनरेशन टेक्निक यूजिंग व्हाट इज कॉल्ड फोटोकंडक्टिव एंटीनास एंड नॉनलीनियर क्रिस्टल्स इन एक्रेन सेंटर, देन आई विल अगेन वंस अगेन कम टू द टेराइड इन डिफेंस एप्लीकेशन, सो सम अदर इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन आई विल ट्राई टू कवर एंड देन द कंक्लूजन। सो आप ये स्पेक्ट्रम देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का लेफ्ट से राइट में, तो आप देखेंगे कि लेफ्ट में रेडियो वेव्स और राइट के अंदर एक्सरे, 10^7 से लेके 10^17 हर्ट्ज का ये स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, और माइक्रोवेव जो है रेंज है वो 10^9 to 10^10 हर्ट्ज है, और इसके बीच में ये रीजन है 10^11 to 12, दिस इज नोन एज ए टेराहर्ट्ज रीजन, और उसके बाद देन यू आर एंटरिंग इन ऑप्टिकल डोमेन, इंफ्रारेड, देन विजिबल, अल्ट्रावायलेट एंड एक्सरे। सो व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस रेंज, एक्चुअली इफ यू सी दिस इज ब्रिजिंग द गैप बिटवीन माइक्रोवेव एंड द ऑप्टिकल, सो इट मीन्स यू आर गेटिंग द एडवांटेज ऑफ बोथ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वन इज कॉल्ड द माइक्रोवेव विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर एंड अदर वन द ऑप्टिकल डोमेन। So all the law of quantum optics, quantum physics, optics, all are basically valid in the terahertz domain. So इस रेंज को अगर आप देखें तो ये जो है 0.3 से लेके 10 terahertz जो रेंज होता है, या अगर आप उसको सेंटीमीटर इनवर्स में देखें तो 10 से लेके 300 सेंटीमीटर इनवर्स का जो एरिया है ये terahertz रेंज के अंदर कवर होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज है, और क्यों है मैं इसको कवर करता हूँ, तो इसके अंदर जो खास बात जो है इसकी, ये जो है अगर टेराहर्ट्ज़ आप देखें तो 100 गीगाहर्ट्ज़ जो है इक्विवेलेंट टू 3 मिलीमीटर या 3.3 सेंटीमीटर होता है, 1 टेराहर्ट्ज़ जो उसको हम लोग स्टैंडर्ड बोलते हैं वो इट इज इक्विवेलेंट टू द 300 माइक्रोन, 33 सेंटीमीटर इनवर्स, और 10 टेराहर्ट्ज़ इक्वल टू 30 माइक्रोन, तो इसका मतलब है कि ये जो है हम IR रीजन के अंदर चला थर्मल रेडिएशन होता है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द टेराहर्ट्ज़ इज, so it is highly absorbed by the water molecule, so if you see the value of alpha it is 250 centimeter inverse at 1 terahertz, so this radiation is absorbed by the water molecule, so this is one of the the property or the drawback, but it is mainly used for different type of application because of the high absorption. Then from metal surface, so if you see the reflectivity is, it is 99.5%, it means majority of the metal they reflect the terahertz radiation. And the reflectivity is around 99%. Then most of the plastic and organic molecules, they have very low absorption. If you see the alpha value, it is order of 0.5 centimeter inverse at 1 terahertz. And the reflective reflective index. So reflective index, if you see this plastic, organic molecule, explosive, they possess the reflective index order of 1.5. So if you see this value, it is looked like a value of glass in an optical domain. So majority of the material which is opaque in nature, they behave like a transparent material in terahertz domain. Apart from that, semiconductor materials, they also have a low absorption in terahertz domain, and their reflective index order of 3 to 4, order of 3 to 4. It means it is a very important region, and this region can be used for different type of applications, and for generation of the terahertz is concerned, so there are various techniques are being used. The most popular is called electro-optic sampling, optical rectification, photodamper attack, difference frequency generation, and two color plasma phenomenon. So we have used all the techniques in the laboratory, but some techniques are very simple in the sense means the setup is simple and they generate wide range of terahertz. So that's why we prefer to generate terahertz using an optical rectification technique, and as well as electro-optic sampling which we use for the detection.
And apart from that, we use PC conducting antenna. So I will cover both the techniques, how we are generating. So once again, let us back to the application part of the terahertz. So you can see the imaging. I mean, especially these are the images I have taken from a reference and already reported by Professor S.C. Jhan. So left hand side, you can see that person who is carrying some knife in the, which is wrapped in the newspaper. So if you take a terahertz imaging scanning, you can identify what is hidden in the paper. So it means any implement or any revolver or knife or any type of metallic things carried by the person in a cloth, paper or suitcase, that can be identified using terahertz radiation. The second application, you can see that you know, it is some sort of a terrorist or the robbery act, where you can find that the terrorist person is inside the room. So if you have a terahertz device, you can identify the number of people present in the inside the room. So that is another advantage that can help you to identify the number of extremists or the robbers or the antisocial people, those are basically inside the room. The most important application of the terahertz is in the cancer, especially in breast and ovary cancer. I will show one or two slides what we have carried out. We've done some investigation, terahertz investigation in our center also. So you can see the patches red and the green. So green basically showing the presence of water molecules, and the red is because of the protein. And similarly, the another interesting application is the, you know, plant. So plant and biology, because, you know, country is facing huge water crisis, and plant water dynamics is very important parameter. So with the help of a terahertz, we can understand the requirement, osmosis process. And also, you know, in the market, you can purchase a lot of vegetables where nowadays a lot of pesticides and chemicals are used, which is having a carcinogenic effect on the health and cause of cancer. So these chemicals are also being transferred to the leaf and the food. So that can also be studied using a terahertz. So it's a very important point. And third important thing is that the quality of the food, because in India we are not much conscious, but suppose if you go to the supermarket, so the quality of the food is also judged, which matters that whether food is good or not, or what is, whether it is fresh or, I mean, rotten. So many factors are there that you can also study. And similarly, the last one is called the tomography. So you can identify, you know, objects using this technique. So similarly, I will show you another application. Now it is being used in USA, and government of India is also trying to use this technique our airports and stadiums, etc. So you can identify the person who is carrying revolver. So this is a terahertz imaging. Similarly, people are carrying explosives or gold or anything in the suits, so that scanning can also help you to identify the presence of molecules or the contraband drugs or the explosives carried out by the person. Now I will come to the, this is a very important, this is related to the, why the terahertz is used in the plant, used for the plant studies. So the most important point, because entire country, the entire world is facing the water crisis. So the declining water availability for the agriculture. So this is one of the most important reasons. And we Indians are basically very much accustomed to waste water. कहीं कार धोने के अंदर, कहीं मोटरसाइकिल धोने में या घर धोने में, तो ये पानी जो है ये सबकी प्रॉपर्टी, किसी आपकी नहीं कि किसी ने मोटर चालू किया और उसको वेस्ट करने लगे, और धीरे धीरे इतने इसका लेवल इतना गिर रहा है कि बाद में आने वाले टाइम में जो एग्रीकल्चर या खेती करने के काम में जो पानी लगेगा वो भी नहीं रहेगा। तो इसलिए अभी से ही हमें थोड़ा सावधान होना पड़ेगा, और उसके लिए टेराहर्ट जो है कि बहुत अच्छा साधन है। मैं बताऊंगा कैसे उसको यूज करते हैं। इसके अलावा water dynamics and the role of water transfer and chemicals to the leaves and the food. So ये बहुत ही important है, क्योंकि सारे plant जो होते हैं उनके water transfer करने की एक mechanism होती है। अगर उसको अगर हम लोग जान जाए, तो जैसे हम लोग garden में
पानी वेस्ट करते हैं या जहाँ भी प्लांटेशन होता है वहाँ पर, उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है जिसके अंदर टेरा डिस्क्रिप्शन की स्टडी की जा सकती है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बॉटनिस्ट या जो भी प्लांट साइंस के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो डिहाइड्रेशन ऑफ द प्लांट जो एंड देयर ड्राइनेस की स्टडी करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वाटर पोटेंशियल। सो दिस इज बेसिकली ए डिस्ट्रक्टिव टेक्निक, बट व्हेन यू यूज अ टेरा टेक्नोलॉजी सो इट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज ए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक। सो यू विदाउट डिस्ट्रॉइंग द लीफ ऑफ प्लांट वी कैन कलेक्ट लॉट ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस थिंग। And in order to understand the concentration of water, so these are the equations which is based on the Fick's law. So concentration of water can also be studied. I will show you some application what we carried out in our center. So for example, this is a one the popular experiment. This is related to the plants. You can see. So the plant, the leaves and other things are basically kept here. And then we have the terahertz source, and this is the reflector. So this is another simplification. So here the terahertz source lens is used, and you can put the plant. So you can collect a lot of valuable information about the plant in terms of water contents, their dielectric property, and also the dryness, whether it is drying or it needs more water. And apart from that, the chlorophyll and other type of chemical present in the leaf. So this is another example, the paper published in the Nature Scientific Reports by Pastor Thomas Group. So you can easily see this is the experimental setup. So there are two types of setup. So one, you can directly put your leaf. These are the parabolic mirror 1, 2, and 3, 4. So this is a focal point. You can directly put your leaf or plant here, and you can record the spectrum and the information using an electro-optic sampling technique. And you can see the last, on the right hand side of the graph. So you see the water percentage with respect to time. So it is decreasing. So when the leaf will get dried, so obviously the water percentage is decreasing. So, you know, when water decreases, then terahertz signal start increasing. So this is the reciprocal to each other. So percentage of water can easily be measured or can be ascertained or estimated using a terahertz technology. Similarly, this is the osmotic potential. It is also a time dependent thing. So we can record a time domain spectra of a leaf, and then we can carry out the osmotic potential. We can measure the osmotic potential of the plant. This is another important this thing. This is a permittivity and the dielectric constant measurement. So you can, once again, you can see the leaf thickness and the volumetric water concentration. So if the thickness of the leaf is increasing, you can also see the percentage of water is also increasing. This is the refractive index. The refractive index is a very important parameter, and you can see the value of refractive index lies between 1.7 to 1.85 range. Very important region, and the absorption coefficient is concerned. You can see that absorption coefficient is water dependent. If the water percentage is more, the value of the absorption coefficient is less. If the water is less, you can find the absorption coefficient value is also low. So with the help of this, you can assess a certain refractive index, and this is basically very important related to the growth and the quality of the plant. This is another terahertz spectrum, which is related to the coffee leaves. And once again, we plotted the transmission and the absorption coefficient. Again, once again, you can see the if it is reported gap of 5, 10, and 20 days. So transmission is increasing. It means the water molecule percentage is decreasing. And that is also shown in the second graph. So here it is falling. It means the concentration of water is decreasing and the transmission of water is decreasing. So if you know the, what is called the intensity of the light, so using a simple Beer's law type of equation, we can ascertain the percentage of water in the plant. This is a thing we carried out in our laboratory. So we have taken a rose petal, and that we basically put in an oven.
and that will increase the temperature of the oven. You can see the changes 27 to 110 degree. So gradually you can find that water percentage this peak, it is around 3300 centimeter, it is decreasing. So you know it almost becomes low, but here you see that this peak is representing the chlorophyll. So when the leaf, the petal is drying, but the concentration of this pigment, the chlorophyll pigment was increasing. So very interesting application. So we carried out in the laboratory using a small setup. There is another setup which recently we did with badam ke jo patte hote hain, it is all available in our campus. So one of my scholar, Manchu, so he has carried out the leaf study. The kyun leaf humne liye iske liye batata hu. Ye ek aisa pair maine dekha campus mein jisme tarah tarah ke color ke patte rehte hain. अब ये जो कलर जो है कोई ग्रीन है, कोई लाइट ब्राउन है, कोई डार्क है, ये सब रीजन इसकी एज के हिसाब से रिलेटेड है. तो जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती है इसके कलर में चेंजेस आते हैं. अब ये कलर जब चेंज हो रहा है तो प्लांट जो है इट इज बेसिकली जो लीफ जो होती है ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है. तो कलर चेंजेस भी इस लीफ के बारे में और उसके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में भी एक इंडिकेटर. तो लास्ट वन आप देख सकते हैं बिल्कुल ट्राई है. So we designed our own system in the center. This is basically femtosecond oscillator-based system. I will discuss in the next part of the thing, my lecture. So here the generated signal, the leaf was kept here, and then we recorded the the spectra of this leaf. So you can see very interesting result of this leaf, which is taken of different colors, and obviously you can see the water percentage is changing with respect to time. This percentage, and we also measured the refractive index, and the value of refractive index was basically falling, and again it is coming in the range of 2 to sometimes around 1.4. And similarly, this is the bar diagram which is also showing that how these samples and the water absorption coefficient is changing. So when the color of the leaf is different, so you see the dry leaf which is having the lowest value, and green leaf is showing the highest value. So it means that the percentage of water is also changing with respect to the leaf. And this is another table where you can see that absorption coefficient of dry leaf is lowest, whereas in case of a green leaf is highest. So this is the study, and there's another leaf we have taken from lemon, and इसको हम लोगों ने आधे आधे घंटे gap के अंदर इसकी study की है. You can easily see that how the water peak is basically, which is representative OA is changing. So you see after drying the percentage of water is also reducing. So this is another part of the leaf, and we keep it drying for longer duration of time, and obviously you can find a lot of changes, and these changes are visible in the what is called the terahertz and as well as FTI spectra. So then I move to the diffusivity of water. So obviously this relation is related to the tomato and the lemon leaf. And this is showing the water diffusivity, which is exponential nature. So it is time-based study. So you recorded in hours, so minutes. So gradually, when leaf is kept for longer time, the diffusivity also. So it means that leaf is going to be dead. So this is another application which is carried out by my another scholar Chandan. So we studied the जो इंडिया में जो सीमेंट सैंपल्स होते हैं, तरह तरह की कंपनियां हैं, और इसकी जो ग्रेड होती है कोई 43 ग्रेड है, कोई 53 ग्रेड है, और भी कई हैं. तो हमने कुछ स्टैंडर्ड सैंपल लिए और उसका हमने टेराहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड किया. अभी आप देखेंगे इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है. तो इसमें एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट देखिए, एक सागर कंपनी का जो है इसका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट सबसे ज़्यादा है, और बाकी सीमेंट का जो था वो कम था. उसके बाद हमने इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मेजर किया. इसमें भी एक जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो खासकर बिरला सीमेंट, इसका ग्रेडिंग हाई है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हाई था, और इसके साथ पन्ना सीमेंट है
और उसके बाद कोरोमंडल। तो इसका मतलब ये जो सीमेंट जो है डिफरेंट ओर से बनता है, तो डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री से लेते हैं, उसका इफेक्ट जो है सीधा सीमेंट के ऊपर पड़ता है। और इसे सीमेंट की क्वालिटी के बारे में भी एक मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव वे में आप मालूम कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल टेक्निक है और बहुत ही कम क्वांटिटी में लगती है, करीब 100 मिलीग्राम सैंपल अगर आप ले तो सीमेंट की काफ़ी कुछ क्वालिटी विदाउट एनी केमिकल ट्रीटमेंट आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। अब ये देखिए अनदर एप्लीकेशन है जो कि खास करके आप देखेंगे कि लेदर बैग है, स्टैंडर्ड पिस्टल है, तो ये एक मतलब स्टैंडर्ड कमर्शियल सिस्टम है और ये टेराहर्ट्ज इसके अंदर एक सोर्स है और एक कैमरा है जिसके थ्रू ये इमेज को आप देख सकते हैं। तो ये सिस्टम अभी कंट्री में अवेलेबल नहीं है, तो हमने लैब में इस समय एक नया सिस्टम बनाया, मैं उसको आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा नया सिस्टम है, इसके अंदर आप देखिए ये हुड जैसा दिख रहा है, ये एक्चुअली टेराहर्ट्ज इसमें से निकलता है और ये हाँ यहाँ पर आप टारगेट रख सकते हैं और इसके अंदर ही ये जो फाइबर लगे हुए हैं ये सीधा कंप्यूटर से कनेक्टेड है। तो दिस इज द फर्स्ट यू नो टेराहर्ट्ज व्हाट इज कॉल्ड इमेज, वन ऑफ माय स्टूडेंट नवीन हु इज वर्किंग ऑन द इमेजिंग प्रॉब्लम। तो दिस इज टोटली यू कैन से द एंटायर प्रोग्राम एंड द इमेजिंग दिस थिंग इज डेवलप्ड इन द कंट्री, आई थिंक इज द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री यूजिंग इन द फील्ड ऑफ टेराहर्ट्ज। So this is the Taj Mahal image and you can see at 0.5 terahertz how the metallic image is looking. It is 1.1 terahertz, 1.5 and 2. So this is the indicator that if something is hidden inside the bag or the envelope, that can be identified. So I will show you another interesting thing, the coin of 1 rupees, and that we also recorded. And you can see we are changing the frequency, 0.5 terahertz, 1 terahertz. एंड ग्रेजुअली आप देखेंगे कि इसकी जो इमेज है 1.5 और 1 के बीच में आपको काफ़ी कुछ क्लियर दिख रहा है, बाकी अगर रेंज में जाएंगे तो अगेन वो हैजी हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर आपको कोई मेटल जो है या स्टील है या अगर वो कॉपर है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ये जो फ्रिक्वेंसी को ट्यून करेंगे तो डेफिनेटली आप उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिक एग्जाम्पल है ब्लड का, क्योंकि अगर इसको आप आइडेंटिफाई करें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये ब्लेड को हमने इसका टेराहर्ट्ज इमेजिंग किया और ये 0.5 पे ये इसकी इमेज है, ये 1 टेराहर्ट्ज है, 1.5 एंड 2। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज 0.5 टेराहर्ट्ज पे है वो काफ़ी कुछ क्लियर इमेज है। इसके बाद इसको हमने पैकेट में रख करके देखा कि पैकेट में अगर ब्लेड है तो वो कैसा दिखता है। दिस इज अ पेपर पैक और ब्लेड इज कन्फाइंड इन द, उसका अगर हमने रिकॉर्डिंग किया तो ये टेराहर्ट्ज इमेज जो हमको कलेक्टिवली जो मिला है और 1 टेराहर्ट्ज में जो इमेज है वो आपको इस तरीके से दिखता है, बाकी जो दूसरे फ्रिक्वेंसी पे ये स्पेक्ट्रम उतना क्लियर नहीं है। तो ये जो डेवलपमेंट है ये अपने आप में बता रहा है कि हम लोगों ने मतलब छुपी चीज़ों को खोजने की जो है क्षमता जो है लैब के अंदर को हासिल कर ली है। और ये सबसे बढ़िया एग्जांपल ब्लेड है क्योंकि ब्लेड के एजेस बहुत सारे होते हैं, अगर ये चीज़ें अगर डिटेक्ट हो जाए तो बाकी चीज़ों को डिटेक्शन बहुत आसान। ये दूसरा एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है तो इसका भी इमेजिंग हमने किया और आप देख सकते हैं कि ये भी इसके पार्ट्स भी काफ़ी कुछ विजिबल हैं और ये भी डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पर डिफरेंट टाइप्स से बिहेव करते हैं। अब टेराहर्ट्ज जनरेशन करने के लिए जो लैब में जो खास करके जो सामान या जो सिस्टम यूज होता है लेजर, वो फेमटो सेकेंड होता है। तो फेमटो सेकेंड लेजर का जो पल्स बीट होता है वो 10^-15 ऑर्डर का होता है, मतलब एक काफ़ी शॉर्ट पल्सेस होती हैं। इसको अगर कंप्यूटर क्लॉक साइकिल से करें तो वो ऑर्डर -9 की होती हैं। कैमरा जो आप लोग करते हैं यूज करते हैं वो -3 होती हैं और एक मंथ में जो सेकेंड्स होते हैं वो 10^6 होते हैं। तो ये बहुत ही छोटी यूनिट है और इतनी शॉर्ट पल्सेस अगर आप यूज करें तो इससे आप टेराहर्ट्ज जनरेट कर सकते हैं। तो जनरेशन करने के लिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊँ। हाँ, इसमें एक ऑसिलेटर रहता है, ऑसिलेटर से ब्रॉड पल्सेस आती हैं, उसको एक स्ट्रेचर के थ्रू स्ट्रेस किया जाता है, उसके बाद उस पल्स को एम्पलीफाई किया जाता है, फिर उसको कंप्रेसर में भेजते हैं। एक शार्प और बड़ी मतलब पावरफुल पल्स निकलती है जो कि 104 times एम्पलीफाई होकर निकलती है और काफ़ी पावरफुल होती है। इसका यूज टेराहर्ट्ज जनरेशन में होता है। तो जनरेशन के लिए जो सिस्टम है हमने
अपना खुद का बनाया सिस्टम इजाद किया हुआ है और वी मेड इन एक्रम. So we have taken a what is called PC antenna. It is made of LTR SI elements. How does it work? I just like to show you. So इसमें जो ultrasound pulses जो हैं ये gap of this antenna is order of 5 to 10 microns. When the beam is focused here, so because of the photoconductive nature, so when we apply the voltage, we generate a some sort of a time domain electric field, and when you use a Maxwell equation. So this electric field basically related to variation, time dependent variation of this current is equivalent to the electric field, and this electric field is nothing but a terahertz. So PC antenna जो LTN SI gallium arsenide का क्यों बनाया जाता है उसके भी रीजन है, और इसको कलेक्ट करने के लिए भी बड़ी स्पेशल टेक्निक यूज करते हैं. इसमें एक स्पेशल टाइप के हेमिस्फेरिकल लेंसेज होते हैं. ये लेंसेज की बॉडी पर लगाए जाते हैं, इसके बीच में कोई एडेसिव नहीं होता. अगर एडेसिव हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है. और दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप यहाँ पर 800 नैनोमीटर वेवलेंथ यूज कर रहे हैं और जनरेटेड वेवलेंथ है 300 माइक्रोन. तो दोनों में बहुत ही ड्रेस्टिक चेंज है. अगर ये मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके साथ मैच ना करे तो जनरेटेड रेडिएशन आइदर इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में आ जाएगा. इसका कलेक्शन भी काफी इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा जटिल भी है. इसको करने में हमारे को करीब 3 साल लगे, क्योंकि ये जो था ये इंडिजिनियस सिस्टम था, और लगातार फेलियर के बाद करीब 2.5 साल के बाद हमको And then why we are using LTN SI? The most important part is carrier lifetime, which is order of 0.3 for LT, and it is 50 picosecond. And mobility of this is very high; it is 1000 to 150. And this material looks like a non-conductor. If you see the resistivity, the order of 10 to 6 to 7. And band gap is very important; it is 1.43. So if you see this band gap. And if you see the 800 nanometer, so this basically matches with the band gap of the this material, and that's why it is preferred material for making. So this is a special type of holders. This we imported from the Germany. So rest of the thing was made and designed. So this is the antenna, which is very small, and you have to take a microscope to how this antenna in the center, and this is the output. So these are the lenses. And these are the different type of micrometer screw to align the beam and the antenna in the holder, and with respect to the detector also. So there are different type of alignments, optical alignments can be done using this. So there is another technique what we are using. It is a crystal based. So we are using a nonlinear crystal, and we, because of the optical rectification process, we can generate power from terahertz radiation. So this is our experimental layout. You can see it. So this is a femtosecond pulses. We are using a 50-50 beam splitter. It's so 50% of part hai. We are sending to a delay line, and other one is directly going to the antenna. Here you can see this is a biasing voltage is there. There is another set of antenna. There is no biasing. So what is happening, the probe, this is called the pump beam, that is called the probe. Probe is falling here. This is generating terahertz. Here what is happening, the probe is coming, charges are generated, but they cannot go to the electrode. Here because biasing is there, so charges are moving towards the electrode, and as a result you can generate a terahertz. So once this terahertz is falling here at zero delay, so under the influence of the terahertz field, this charge carriers move towards the electrode, and we can get the signature of the generated signal. And that can be detected with the help of a pre-amplifier and the program made in a computer. So this is the whole setup designed in the ECRAM center. So this is our, the experimental layout, you can see it. So this is a laser, and it is routed through a different point. So this is a delay line. And you can see these are the parabolic mirrors. So source is placed here, the beam is going. And then it is collimated, and here we are putting another antenna, and that antenna is helping us to detect. So this is the first signal we got recorded. So this is the first signature of the terahertz, which is recorded by my student Venkatesh. The antenna was basically designed by
me and the fabrication was done by the glass. And you can see the first trend what we got, it is 0.2 terahertz. Then similarly, you can use a crystal also, because crystals are cheaper in nature, their damage threshold is very high, and moreover, these crystals are grown in the country. So this is, we are using electro-optic crystals. So this is a, you know, setup, and we are using a combination of a balance detector with the help using a combination of lambda by 4 plate and the polarizer. So these are the two configurations. So one part when the terahertz is present, and one the terahertz is not present. When terahertz is not present, the beam is basically coming from electro-optic crystal, is linearly polarized, lambda by 4 plate make it circular. Beam splitter, Wollaston prism split in equal parts, and your detector shows zero in a signal because it is under balance. But once terahertz is present, then what is happening, the, when optical pulses passing through this crystal, it become a circular polarized from the crystal, lambda by 4 give the another twist, it become an elliptical polarized. Splitting of the elliptical polarization will give you the two unequal component, and this unequal component is related to the signature of the generated terahertz, and that gives the range and the strength of the terahertz. Very tricky. So yeah, setup hai, or we, these are the, you know, spectrum we recorded of different wavelength, and this is the terahertz spectra of different type of, you know, material we use. You see the plastic, these are the first spectra. Teflon, now we are getting very smart this thing. Then we recorded, you see, very good exponential decay. This is just like a, you know, BS Lambert. So when you're increasing the paper thickness, the signal is also decreasing. So we use a different type of crystals like zincaride, gallium phosphide, gallium arsenide, dust. So these crystals, many of the organic crystals are now grown in the country, and we got a patent for the same. So why, I will show you the example. So this is dust crystal grown in the country, and we generated very strong terahertz from this crystal. You can see we tune the laser, and we use a pyroelectric detector, very simple technique. So using this crystal, this is called the refractive index matching. So here what is happening, the refractive index of the optical and the terahertz signal is matching at 822 nanometer. Let me show, I will show you the result of this. You can see the power. So when index is matched, the power of the terahertz is also increasing. So we compared this thing, and this is what was also published. So this is called the dust based, and then we generated second harmonic as well as the terahertz simultaneously from the crystal. Very interesting work. When you rotate crystal, one side you are satisfying the condition for terahertz generation, and when we off from that condition, you are satisfying the condition from the second harmonic. So when terahertz is more, the second harmonic is less. When the second harmonic or terahertz is less, so the second harmonic was a visible signal, or agar visible dikh raha hai, iska matlab hai ki us samay terahertz nahi aa raha. Uske baad humne iski spectroscopy ki, aur ye spectroscopy jo hai nitrous oxide ki thi. You can easily see the, you know, the vibration rotation bands of nitrous oxide at 0.1 and 1.5 terahertz. So clearly you can distinguish the gas, and this is the first recording of a terahertz photoacoustic spectra anywhere in the world, the cell phone. So this is the crystal, one of my collaborators from Anna University. So after returning from Japan, he started drawing this crystal, and he wanted that somebody should do the analysis, and we started working together. I will show you some very interesting results. So this is a DNA crystal. Same crystal is grown with different solvents. You can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 different solvent solvents were used for growing these crystals. And then we compared the output of this crystal with the standard dust and the zincaride. Zincaride is a commercial crystal, and DNA and dust crystals are grown in the country. Now you can see the intensity, amplitude. Obviously, you see the DNA is giving the highest power, it is 350 microwatt, and the commercial crystal is zincaride, it is almost 150. So it is almost 2 times higher than the, you know, the commercial crystals. आप बोल सकते हैं कि इंडिया में काफी कुछ पोटेंशियल है, और लोग
इतने काबिल हैं कि वो देखें मैक गुड क्वालिटी विच इज चीपर इन प्राइस एंड गुड सोर्स ऑफ टेरार्ट सो इट इज नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव बिजनेस दैट ओनली यू शुड हैव ऑल एक्सपेंसिव आइटम देन ओनली यू कैन जनरेट टेरार्ट्स देन यू नो एज यूजुअल व्हेन वी आर वर्किंग इन अ डिफेंस ऑब्वियसली द फर्स्ट थिंग इज दैट द फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रा ऑफ एक्सप्लोजिव सो दीज आर द यू नो पैलेट्स इट इज मेड इन what is called Teflon. Teflon is transparent. So using RDS, TNT, HMS, you can see these are the, you know, paracetamol. These pellets we made and then we reported the fingerprint spectra. One can easily see the change in the, you know, this is time domain spectrum. So why this change is occurring? Change is occurring because, you know, this is optical pulse, which is moving from a different media. And since the refractive index of this material is varying, so when the beam is passing through this material, their optical path length is also changing. And as a result, you can find a delay time change. And that is also reflected in their frequency domain spectra. So this is called the characteristic signature of this molecules. And this second thing, it is a non-destructive one. So you can reuse this sample. Then we made a very interesting application. So you can see for RDX 0.8, 1 to 2 teramers is the characteristic band, and we started reducing the quantity. So at 10 milligram, beyond 10, it was not possible because that's pellet was broken in nature. But we also studied, you know, temperature dependent study. So when we are increasing the temperature, you can see the peak is also reducing. It means the NO2 is shedded by this molecules, and this is a clear-cut indicator because this band is because of the NO2. And when we start heating the composition temperatures, so gradually this molecule start releasing NO2, and the percentage of NO2 was reducing with respect to the temperature. So this is a very interesting study, and that study basically we compared with RDS, TNT, HMS. Then we have also introduced DFT calculation. So using DFT calculation, this is the molecules designed in the tetrapyrazole molecules. So they have 7, 4, 6, 4 molecules. The structure is different. And then we recorded the fingerprint spectra. And that spectra, recorded spectra, is matching in the theoretical DFT calculations. And we also proved that this molecule is a dielectric molecule. That is the first time at room temperature we proved that exclusive molecules are dielectric. And then the, another thing which we added, that is called the birefringency nature. So this is like a, you know, birefringent material with three refractive indices. These are the, you know, variation in the refractive index. Then another student, Rajesh, is working on another molecule that is called pyrazole molecule. He recently recorded the spectra, and he also carried out the, you know, DFT Gaussian calculation to establish that what are the bands experimentally detected and how they are very close to the what is called observatory flips. Then another student is working on you know, radar type of things. So there we are collecting a reflected signal. So this is the G value of a different exclusive like DNT, RDS, ammonium nitrate, Cl20, and you can see this value is changing. I will show the more interesting results. So this is called the impedance. So we are now measuring the optical impedance of this exclusive molecule for the first time. And you can see that there is a clear cut distinction between the optical impedance. So suppose if this molecule is present in the soil or somewhere, so with this Teflon technique, we can easily identify stable molecule. Second, another interesting thing is that we also measure what is called their what is called the reflection coefficient because we are using electromagnetic radiation. So you can see this molecule also follow Brewster's law. So you see it is a Brewster angle, EM and T modes is going and then again increase. But the zone you can see, very interesting. It is for RDX and it is for the HMS. So one can easily distinguish that what type of ion is even by agar aap dekhenge to aapko lagega ki ye molecules kaafi white powder type ke rehte hain, par study karne ke baad aapko easily iske bare mein malum ho jayega. So these are the another spectrum.
Then recently we got Calcutta Medical College some Audi samples, PESA samples, and there's another group in SINP of Professor Kosik Sengupta. So they are doing a what is called the optical microscope, confocal microscopy, and we are carrying out the terahertz spectroscopy. So recently we recorded, you know, some sort of a signature of amino group present in the cancer cells. This is study under progress now. This is another spectra and refractive index we measured. So finally, in conclusion, we try to introduce the new world of terahertz technology. We also saw some interesting application of terahertz radiations. Also shown you the present state of terahertz in India and some interesting results related to plant. So my first student, Fahim, he got his best, very brilliant student. And so many awards he got, OSA student award. So he was basically the first who was working in photoacoustic and jumped into the terahertz. He developed the acoustic, what is called a technique to detect this one. The second student was Venkates. He was basically instrumental for designing of a terahertz system. And he got a couple of awards. Now he's in Sweden for his postdoc work. He also got a patent with me. Then third student is Krishna Srinivasa. This also got a Best Thesis Award. And he got a Melinda Gates Foundation Fellowship. Now he is in post in China. Another work which we got for our Royal Society of Chemistry London for development of a new novel technique. Then Ganesh also extended this work and he got not two, three posters award. Now he is in France and he extended his work to study the refractive index and the crystals, what is called the properties in the terahertz domain. And then the K. Arjun is carrying out, he already got one international award for his work on the scattering studies. Nagarjuna, Manchu Nagarjun has got a best poster recently concluded on the plants. Chandan got MRF fellowship recently. It's also focusing on the terahertz system. And finally, I would like to acknowledge my first student mentor. He struggled with me for 3 years to establish the terahertz without, I mean, we were basically lost our hope and every time failure and failure, but he has never given up the hope and I never given up the hope. So working day and night, we established the system, so credit go to Venkates. Then Abhilash was with us, he was helping us to design antenna because when we are focusing the beam, an antenna was getting damaged and this antenna we import, it's cost around $300 to $500. But since we were able to design this antenna in the center itself, that has given us confidence to go ahead with the idea. So he is now in Cornell University. Hoda and Fahim, Fahim is now a dean. Professor Radhi Saran for providing us a crystals. And special thanks to Professor Prabhu, Tata Institute of Fundamental Research, for his suggestion, because 3 years when we failed, so last moment we designed, but our signal was basically sometime it was coming and sometime it was not coming. So we were not knowing why it is coming and why it is not coming. So Prabhu was on a visit to Hyderabad and I invited him after seeing, he said, you have kar diya. तो मैंने बोला व्हेन हमने किया तो वाई का सिग्नल भी बोला आ जाएगा आप इसमें से दो चेंजेस आती है तो उन्होंने हमारे को लॉकिंग में कुछ पैरामीटर्स था वो चेंज करने का उसके बाद वी नेवर एक्सपेक्ट एंड फाइनली डीआरडीओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर देयर जनरल सपोर्ट सो दिस इज अ टीम अभिलाष पाइन कोंडा श्रीनिवास राव थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर वंडरफुल प्रेजेंटेशन Thank you, Neil Kumar Saab. It was really good and very informative and useful also. Bahut bahut shukriya aap Professor Anil Kumar Chaudhary Saab, aapke is khususi special presentation with which is beyond our allotted time. Shukriya sir, shukriya. Hame question ke liye aap bula sakte hain. Around 50. Around in spite of late this thing hurdles, around 50 participants are there with very much dedication and
Thank you very much for your wonderful presentation and special lecture and the results also. You have elaborated and focused very much on the result part, which is very useful also. Now, with the permission of yourself, that is chair, we start the presentation, paper presentation. We have total 8 presentations, okay. Out of which 3 are faculty members and 5 are research scholars. So, sir, here one is absent because of Mr. Mohammed Abdul Sajid, he has not yet reported. So only 4 presentations we have from student, that is research scholars category, 3 staff. So first PAP, hello? Yes, are you able to hear, na? Okay, okay. Yes, sir. First presentation, physics, pure and applied section mein presentation hai from Dr. Rizwanul Haq Ansari. So I request him to share his presentation and deliver his lecture. Rizwan, are you there, na? गुड आफ्टरनून सर, आपको आवाज आ रही है सर? मेरे को मेरी आवाज आ रही है? यू कैन हियर सर. गुड आफ्टरनून अनिल सर, 15 मिनट्स, 10 टू 15 मिनट्स ओनली. ओके ओके सर, नो प्रॉब्लम सर, आई विल ट्राई टू फिनिश अर्ली. ठीक है, तो गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम. आप लोगों को मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है? कैन इज माय स्क्रीन विजिबल? Yes, yes, yes. आ रहा है, आ रहा है. Yes, perfect. Yes. So, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरा टाइटल है इफेक्टिव फील्ड थियरी के जरिए इन्फ्लेशन का जायजा, यानी ए स्टडी ऑफ इन्फ्लेशन यूजिंग इफेक्टिव फील्ड थियरी. इसमें मैं थोड़ा इन्फ्लेशन के बारे में इंट्रोडक्शन या इन्फ्लेशन के बारे में समझाऊंगा और आखिर में टुवर्ड्स द एंड व्हाट वर्क वी हैव बीन डूइंग रिसेंटली, कुछ रिजल्ट्स आए हैं वो रिजल्ट्स भी मैं बताऊंगा. ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरा प्लान ऑफ द टॉक के पहले इन्फ्लेशन की जरूरत क्यों हमें पड़ती है, व्हाई इन्फ्लेशन इज नीडेड. पहले इन्फ्लेशन बेसिकली, जैसे कि अल्फाज से आप लोगों को समझ गया होगा कि कोई चीज का सडनली बढ़ना या बढ़ने को हम इन्फ्लेशन कहते हैं. तो कॉस्मोलॉजी में हम किस कंटेक्स्ट में यूज कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, बट बेसिकली अगेन इट इज रिलेटेड टू कि कोई चीज के बढ़ने से या फैलने से. फिर उसके बाद हम इन्फ्लेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जो यूनिवर्स को डिस्क्राइब करने के लिए जो मॉडल है स्टैंडर्ड मॉडल, उसमें कुछ कमियां या शॉर्टकमिंग्स थी, उन शॉर्टकमिंग्स को एड्रेस करने के लिए ये इन्फ्लेशन की जरूरत पड़ी. ठीक है, तो हम पहले वो शॉर्टकमिंग्स देखेंगे, फिर ये देखेंगे कि इन्फ्लेशन किस तरह से इनको दूर करने की कोशिश करता है. ठीक है, एंड उसके बाद इफेक्टिव फील्ड थियरी. देख, जब यूनिवर्स को हम स्टार्टिंग में एक फील्ड के जरिए करते हैं तो जनरली वी यूज क्वांटम फील्ड थियरी. तो क्वांटम फील्ड थियरी में इफेक्टिव थियरी इस्तेमाल करने से किस तरह से इन्फ्लेशन में के कुछ मॉडल्स जो बड़े अच्छे मॉडल्स थे लेकिन कुछ वजहों से उनको नहीं इंक्लूड कर एक्सक्लूड हो गए थे, उनको हम रिकवर करने की कोशिश करेंगे और आखिर में मैं अपने कुछ कंक्लूजन्स बताऊंगा. ठीक है, तो बेसिकली इन्फ्लेशन को समझने के लिए मैं सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी क्या है या कायनात का जो स्टैंडर्ड मॉडल है उसके बारे में बताऊंगा. बेसिकली स्टैंडर्ड मॉडल इज द मॉडल विच डिस्क्राइब्स अवर यूनिवर्स, यानी हमारी यूनिवर्स किस तरह से पैदा हुई, वजूद में आई, हाउ डिड इट कम इन टू बीइंग, फिर वो किस तरह से उसमें चीजें बनी, लाइक फॉर एग्जाम्पल हाउ डिड स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, ये सब इन सब चीजों को हम जो है कॉस्मोलॉजी में देखते हैं. बेसिकली ओवरऑल एक पिक्चर कि यूनिवर्स किस तरह से बना है और आज तक उसमें क्या चीजें हो रही है ओवर लार्ज स्केल्स. ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड मॉडल के कुछ 3 अहम हिस्से है या 3 चीजों से बनता है, इसको डिस्क्राइब करते हैं. एक है आइंस्टाइन जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि मैथमेटिक्स प्रोवाइड करता है या जिस डिस्क्राइब करने के लिए मैथमेटिक्स यूनिवर्स की ज्योमेट्री को डिस्क्राइब करने के लिए. कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल, जो कि ये कहता है कि यूनिवर्स लार्ज स्केल्स में, मतलब हम करीबी एक लाइट ईयर या इसमें देखेंगे नहीं, बहुत बड़े पैमाने पर या ओवर लार्ज बिगर पिक्चर देखते हैं तो यूनिवर्स आइसोट्रोपिक और होमोजीनियस है. दैट इज कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल. बट द मेन थिंग जो कॉस्मोलॉजी की बुनियाद रखा है या उसको सीरियस साइंस की तरह रखा है वो हबल्स ऑब्जर्वेशन, जिसके जरिए ये पता चला कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग. उससे पहले ये था कि यूनिवर्स जो है स्टैटिक है या सेंटर अर्थ सेंटर में है, मुख्तलिफ थे, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट, बट हबल्स ऑब्जर्वेशन
लेड दी प्रॉपर लाइक साइंटिफिक या स्टेटस ऑफ कॉस्मोलॉजी, ठीक है। तो आइंस्टीन इक्वेशन को हम एक पर्टिकुलर मॉडल में लेते हैं, तो इट इज नोन एज फ्राइडमैन मॉडल। ये इक्वेशन बहुत अहम है बिकॉज आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये हमारा जो यूनिवर्स है, पूरी यूनिवर्स को हम इस इक्वेशन के जरिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एस डॉट या एस है वो यूनिवर्स का एक्सपेंशन या यूनिवर्स की साइज को बताता है, बेसिकली टेक्निकली इट इज कॉल्ड एज स्केल फैक्टर। के जो है ज्योमेट्री ऑफ द यूनिवर्स, ज्योमेट्री से मुराद कि क्या यूनिवर्स फ्लैट है या क्लोज्ड स्फीयर है या हाइपरबोला यानी ओपन जिसको हम कहते हैं वो है। और जो राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं 8 पाई जी 4 बाई 3 तो सब कांस्टेंट है। जो रो है बेसिकली जो भी फिजिक्स में है वो जानते हैं कि जनरली वी डिनोटेड बाय डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ द मैटर प्रेजेंट। तो ये जो रो है इस ये पूरी यूनिवर्स में जो मैटर प्रेजेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट चीज ये है कि जैसा कि मैं अभी इसमें जो बताया कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल, ये तो कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल क्या है कि यूनिवर्स जो है होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। होमोजेनियस मतलब उसकी आप लॉन्ग ओवर ए लार्ज स्पेस देखेंगे तो उसकी डेंसिटी एक सा है, मतलब किसी भी जगह देख लेंगे आप उसमें डेंसिटी एक सा होती है। आइसोट्रोपिक मतलब किसी भी डायरेक्शन में आप देख लो तो यूनिवर्स एक सा नजर आता है ऑन ए लार्जर स्केल, आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा। दिस इज कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल। देन दिस इज द हबल्स ऑब्जर्वेशन से जो इक्वेशन, हबल्स इक्वेशन है, वी इज इक्वल टू एच डी, यहाँ पर वी वेलोसिटी है, डी डिस्टेंस है एंड एच जो है इट इज नोन एज कॉस्मोलॉजिकल हबल्स कॉन्स्टेंट, ठीक है, या हबल्स पैरामीटर। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैंने नीचे ग्राफ बताया है, ये ओरिजिनल हबल्स का ग्राफ है जिसमें उन्होंने गैलेक्सीज के फैलने को लेकर ये ग्राफ बताया है। तो इससे ये पता चला कि यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, द फार्दर द गैलेक्सीज वो तेजी से दूर जा रही है, इससे जो है यूनिवर्स का एक्सपेंशन का पता चला। और यही बुनियाद है बिग बैंग मॉडल का, ठीक है, क्योंकि जब यूनिवर्स फैल रही है विद टाइम व्हेन इट इज एक्सपैंडिंग या फैल रही है, अगर आप इसको टाइम में पीछे जाएंगे दैट मीन्स वो बहुत छोटी थी, एक वक्त ऐसा आएगा देन इट इज बिकम वेरी टाइनी। तो ये बुनियाद है, तो इस यही जो है बिग बैंग की का है कि जब यूनिवर्स शुरू हुई वो एकदम डेंस और हॉट थी, इंतहाई गर्म और कशिफ हालत से पैदा हुई, और उसके बाद एक्सप्लोजन के बाद वो फैल रही है कंटिन्यूअस, देयर इज एन एक्सपेंशन। एक्सक्यूज मी रिजवान, कैन यू स्टार्ट योर कैमरा, वीडियो भी ऑन करिए। ओके सर, मैं पता नहीं था, आई जस्ट चेक, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, जस्ट यू ऑन स्विच ऑन दैट वन। नहीं अभी कर रहा हूँ सर मैं। I don't answer. Oh, एक सेकेंड सर। राइट अभी आ रहे सर। ओके राइट सर। बेसिकली जो स्टैंडर्ड मॉडल की मैं बात कर रहा था ये इसके है कि यूनिवर्स एक लार्जर स्केल पे होमोजीनियस आइसोट्रोपिक है, यूनिवर्स एक्सपैंडिंग है और यूनिवर्स एक बिग बैंग के थ्रू स्टार्ट हुआ। ये काफी यूनिवर्स को एक्सप्लेन कर रहा था, एवरीथिंग वॉज गुड और इसका कई चीजों से इसका तस्दीक भी हो गई थी। और जो यूनिवर्स का जो ज्योमेट्री है उसमें कितना मैटर प्रेजेंट है, टोटल मैटर, उससे ज्योमेट्री का पता चलता है। बट व्हाट हैपेंड इज देयर वर सर्टेन प्रॉब्लम्स, इसकी जो शॉर्टकमिंग्स थे कि इवन दो स्टैंडर्ड मॉडल बहुत सक्सेसफुल है, इसमें कुछ सवालात ऐसे थे जो कि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता था अर्ली यूनिवर्स में, जब स्टार्टिंग में अर्ली यूनिवर्स है, के फ्लैट जिसको हम कहते हैं जो मेन तीन प्रॉब्लम है वो है फ्लैटनेस प्रॉब्लम, होराइजन प्रॉब्लम और मोनोपोल प्रॉब्लम। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि ये प्रॉब्लम्स क्या है जो कि स्टैंडर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। फ्लैटनेस प्रॉब्लम का मतलब ये है कि अगर हम आज की मौजूदा दौर में देखते हैं तो हमारी कायनात एकदम फ्लैट नजर आती है, ज्योमेट्री एकदम फ्लैट है, यानी पिछले में जो ये इक्वेशन में के इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा फ्लैट, ये फ्राइडमैन इक्वेशन में के इज इक्वल टू जीरो होने की, जैसा कि ज्योमेट्री और मैटर रिलेटेड है, अगर हमें एकदम फ्लैट यूनिवर्स चाहिए तो देर इज समथिंग कॉल्ड एज ओमेगा विच इज नोन एज क्रिटिकल डेंसिटी ऑफ द यूनिवर्स बाय क्रिटिकल डेंसिटी, ये ओमेगा वन होना चाहिए और ये ओमेगा एकदम बराबर वन के करीब आ रहा है,
तो सवाल ये है कि हाउ कम यूनिवर्स के स्टार्टिंग में क्या ऐसे हालात थे जिससे ये इतना फ्लैट हो रहा है, जबकि स्टैंडर्ड मॉडल में जो एक्सपेंशन रेट है उसके उस वो इस फ्लैटनेस को एक्सप्लेन नहीं कर सकता जो हमें नजर आ रहा है. सो देन दिस वॉज ए प्रॉब्लम. देन अगेन देर इज ए होराइजन प्रॉब्लम. होराइजन प्रॉब्लम का ये है कि अगेन कि यूनिवर्स हमारा बहुत बड़ा है, लाइक यू कांट इमेजिन हाउ बिग इट इज. लेकिन जो हिस्से यानी आप किसी एक कोने में यूनिवर्स का छोटा सा हिस्सा लेंगे और दूसरे कोने में लेंगे, ये दोनों के ऑलमोस्ट आइडेंटिकल नजर आते हैं. उनका एक देर इज सीएमबी टेम्परेचर ऑल्सो, कॉस्मिक माइक्रोवेव टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर में भी एकदम यूनिफॉर्मिटी और होमोजीनियस है. तो ऐसे हिस्से जो कि कभी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं थे, हाउ कम दे आर सो कैन बी सो सिमिलर. तो ये दो प्रॉब्लम है. मोनोपोल प्रॉब्लम ये है कि व्हाई डू मोनोपोल्स डोंट एग्जिस्ट. तो यहाँ पर मैं तस्वीर के जरिए आपको फ्लैटनेस प्रॉब्लम और होराइजन प्रॉब्लम समझाऊंगा. तो जो क्रिटिकल डेंसिटी है यहाँ पर फर्स्ट उसमें देख रहे हैं आप, थोड़ा भी डिविएशन हो सकता था तो ये इस तरह से हो जाएंगे ग्राफ्स. यहाँ पे मैं जो ग्राफ दिखा रहा हूँ एग्जैक्टली वन इज हियर एंड इट अगर वन से कम होती तो यूनिवर्स इस तरह से कर्वेचर में ओपन हो जाता, इधर क्लोज हो जाता. बट दिस इज यू कैन सी कि एकदम स्ट्रेट लाइन आ रही है, यानी ओमेगा इज इक्वल टू वन. ये क्यों है? इसी तरह होराइजन प्रॉब्लम मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये सेंटर में अर्थ में हम आज है और ये दो पॉइंट्स है यूनिवर्स के जो एक दूसरे से कभी कनेक्टेड नहीं थे, और अगर यूनिवर्स की हमारी एज है 14 बिलियन ईयर्स, यानी लाइट को एक जगह से दूसरी जगह जा अगर कॉर्नर जो सबसे कोने वाला हिस्सा है यूनिवर्स का, वहां से लाइट को आने के लिए 14 बिलियन ईयर्स लग रहे हैं. तो अगर एक हिस्सा यहाँ पर है एक यहाँ पर है तो ये किसी भी तरह मुमकिन नहीं है कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड है या जुड़े हुए थे जो यूनिवर्स का एक्सपेंशन रेट है उसके मुताबिक. तो इसको हल करने के लिए इन्फ्लेशन वॉज इंट्रोड्यूस. तो इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन इस इन मसलों को किस तरह से हल करता है? इन्फ्लेशन का मतलब है कि ए पीरियड ऑफ रैपिड एक्सपेंशन, यानी बिग बैंग ये कहता है कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा था, फैल रहा था, लेकिन इन्फ्लेशन इस इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पीपल प्रपोज के जब यूनिवर्स स्टार्टिंग बहुत ही एज कम थी यूनिवर्स की, स्टार्टिंग इब्तदाई दौर में इन वेरी अर्ली पीरियड, दैट इज यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हेन यूनिवर्स वाज 10^-36 seconds, उस टाइम यूनिवर्स सडनली एक्सपैंड हो गया, यानी नॉर्मल रेट से एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन यहाँ पे एक्सपोनेंशियल. और कितने वक्फे के लिए? जस्ट फ्रॉम 10^-36 to 10^-33 seconds. इस छोटे से वक्फे में यूनिवर्स जो है ऑलमोस्ट 10^30 times बढ़ गया, ठीक है, जिसको हम टेक्निकल में 60 to 70 e-foldings कहते हैं. तो अगर इस रेट पर यूनिवर्स फैलता है तो क्या होता है? यहाँ पर जो हमने एक्सपेंशन फैक्टर पीछे एस देखा था उसको मैं यहाँ ए बता रहा हूँ. तो सडनली यूनिवर्स एक्सपोनेंशियल एक्सपैंड हो गया. अगर हम इस ग्राफ में देखेंगे तो यहाँ पर टाइम बता रहा है, तो इस टाइम पे लास्ट में हम प्रेजेंट जहाँ पर है वहां पर है, और वाई एक्सिस पे साइज ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है. तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ जीरो स्टार्टिंग बिग बैंग से यहाँ अराउंड 10^-36 में सडनली एकदम इंक्रीज हो गया. जैसे कि ये ग्राफ में देख रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ तक यूनिवर्स का साइज मान लीजिए यहाँ पर 10^-30 था तो उससे 1 के ऊपर चला गया, यानी 10^30 times इंक्रीज हो गया. सो ये सडन एक्सपेंशन अगर हम प्रपोज कर रहे हैं तो इससे क्या फायदे है? ऑफकोर्स यहाँ पर मैंने कुछ हिस्ट्री भी बताई है कि इन्फ्लेशन किस किन किन ने लोगों ने प्रपोज किया था या इन्वेंट किया था. इसमें हम मेन नाम है स्टेबन्स्की, एलन गूथ, एंड्रे लिंडे, एंड्रेस एल्ब्रेक्ट, पॉल स्टेनहार्ड. ये लोग जो है अलग अलग जगह थे लेकिन ऑलमोस्ट एक सिमिलर टाइम पर ही इन लोगों ने प्रेडिक्ट किया था. तो व्हाट हैपेंस अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे निकल रहे देख रहे हैं तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पिक्चर ऑफ द यूनिवर्स है. ये पूरी हमारी यूनिवर्स की 14 बिलियन ईयर्स की हिस्ट्री को बताता है ये दोनों फिगर. तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग में एक्सप्लोजन हुआ बिग बैंग, उसके बाद आप देख सकते हैं ये एक्सपेंशन सडनली यहाँ पर, जो अगर मेरा कर्सर देख रहा है ये इन्फ्लेशन है. तो यूनिवर्स इतने छोटे से एकदम इतना बढ़ गया, अब उसके बाद ये नॉर्मल उस पर बढ़ रहा है. तो यहाँ के सब प्रोसेसेस हम एक्सप्लेन कर सकते हैं नॉर्मल स्टैंडर्ड मॉडल से. देख सकते हैं आप यहाँ पे पहले एटम्स बने, फिर जो है स्टार्स, गैलेक्सीज, और वी आर हियर. सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से बिग बैंग हुआ और सडन इन्फ्लेशन में यूनिवर्स इतने गुना बढ़ गया. यहाँ पे आप देख सकते हैं 10^-36 seconds के से 10^-33.
तो ये सडन एक्सपेंशन का फायदा क्या है और ये जो हम मेंशन किए फ्लैटनेस प्रॉब्लम को किस तरह से हल करता है। तो मान लीजिए आप यहाँ पर ये फिगर अगर आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर, यहाँ पर एक एंट है या हम है, अगर एक कर्व्ड सरफेस पर है, जब रेडियस बहुत छोटा है इसका बलून का तो उसको कर्वेचर नजर आएगा, लेकिन सडन जैसे कि आप 10^30 टाइम्स उसका साइज बढ़ा दे 1 मीटर से 10^35 मीटर, तो क्या होता है हमें ये फ्लैट जो सरफेस है फ्लैट नजर आता है। सो ये जो इन्फ्लेशन हुआ बिकॉज ऑफ दैट द यूनिवर्स इतना एक्सपैंड हो गया कि हमें वो फ्लैट नजर आ रहा है, इट हैज फ्लैटेंड। एंड जो विद इन 14 बिलियन ईयर्स है उसमें हम ये अब जो फ्लैटनेस देख रहे हैं इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बिकॉज एक छोटे से वक्फे में यूनिवर्स सडनली इतना एक्सपैंड हो गया कि इट बिकेम फ्लैट। यहाँ पे आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं 1 मीटर से एकदम छोटे से वक्फे में 10^35 मीटर हो गया, तो ये एंट्स जो है इसको वो फ्लैट नजर आएगा, तो इस तरह से वो करता है। सिमिलरली होराइजन प्रॉब्लम ये था कि दो हिस्से जो कभी एक दूसरे के करीब नहीं थे, हाउ कैन दे बी सो सिमिलर, तो इसका इन्फ्लेशन हल ये निकालता है कि ओरिजिनली जब बिग बैंग हुआ तब ये हिस्से एक दूसरे के बहुत पास पास थे, करीब थे, दोनों के हालात एकदम सेम थे, यानी दोनों का टेम्परेचर वगैरह एक जैसा था, लेकिन सडनली जो एक्सपेंशन हुआ वो एक दूसरे से इतने दूर चले गए। अगर यूनिवर्स अपने नॉर्मल रेट से एक्सपैंड होता तो यहाँ पर जो आप ब्लैक सर्कल देख रहे हैं उसका साइज सिर्फ इतना ही हो सकता था, लेकिन चूंकि इन्फ्लेशन में सडन एक्सपेंशन हो गया तो आप ये जो आउटर सर्कल नजर आ रहा है वो आउटर सर्कल है, तो जाहिर है यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है और यहाँ पर कोई पॉइंट है वो एक दूसरे से बहुत ही पास थे इनिशियली, दैट इज वाई दे आर सिमिलर। ठीक है, सो इस तरह से इन्फ्लेशन मेक्स यूनिवर्स फ्लैट, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी एक फिगर है जिसमें अगर एक स्फीयर है सडन एक्सपेंशन हो जाता है तो आप देख सकते हैं वो किस तरह से फ्लैट और होमोजीनियस नजर आता है। होमोजीनियस मतलब आप ये जो फोर्थ स्क्वायर दिख रहे हैं आप किसी भी डायरेक्शन में देख लीजिए वो सिमिलर नजर आएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ इन्फ्लेशन वॉज प्रपोज, और जैसे इन्फ्लेशन प्रपोज हुआ एंड इट कुड सॉल्व द प्रॉब्लम बहुत सारे मॉडल्स आ गए, तो मैंने यहाँ पर चंद मॉडल्स लिस्ट किए, लेकिन चंद में ही इतनी लंबी लिस्ट है, बट देर आर मेनी मेनी मॉडल्स जो कि इन्फ्लेशन के मॉडल्स आए ये, क्योंकि वो इस सबको इन प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन कर सकता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा बेसिक्स ऑफ इन्फ्लेशन दूंगा। तो इन्फ्लेशन के लॉजिक ये है कि अर्ली यूनिवर्स में देर वॉज ए सम स्केलर फील्ड। स्केलर फील्ड मतलब फील्ड क्या होती है, जब भी कोई एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कोई क्वांटिटी है जो कि किसी चीज को डिस्क्राइब कर रही है, तो उसका पोटेंशियल है। दिस इज दिस इक्वेशन इज अगेन फ्रेडमैन इक्वेशन, फ्रॉम हियर वी गेट द इक्वेशन ऑफ स्टेट या स्लो रोल पैरामीटर कहते हैं इसको हम। सो दिस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो वी नीड ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल। तो यहाँ पर आप इस चीज को गौर से देखिए, ये पोटेंशियल की जो हम बात कर रहे हैं ये पोटेंशियल ही से ही हम इन्फ्लेशन को डिस्क्राइब करते हैं, और जिस किस्म का जिस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल आप ले रहे हैं उसके हिसाब से आपका मॉडल ऑफ द इन्फ्लेशन अलग होगा। सो यहाँ पर मिसाल के तौर पर सिंपल अगर हम इन्फ्लेशन ले रहे हैं तो हमारा पोटेंशियल या तो m²ϕ² विच इज सिंपल क्वाड्रेटिक पोटेंशियल या क्वार्टिक पोटेंशियल होता है, तो ये दो अलग मॉडल्स ऑफ द इन्फ्लेशन होंगे। तो पोटेंशियल किस तरह से रोल अदा करता है एंड व्हाट आर द मेजर्ड क्वांटिटीज व्हील से, जो मैं नीचे बताया हूँ। तो पिक्चर ये है कि अगर फील्ड थियरी के एतबार से देखें तो ये पोटेंशियल है, और यहाँ पर जो रेड डॉट है ये हमारा यूनिवर्स है या स्केलर फील्ड की शक्ल में। तो जब यूनिवर्स यहाँ से नीचे रोल हो रहा है दैट मीन्स व्हेन इट इज रोलिंग डाउन ये एक्सपेंशन हो रहा है। तो डिपेंडिंग ऑन आप अभी जैसे मैं इतने मॉडल्स बताया, हर मॉडल का में फर्क होगा उसके इन पोटेंशियल में, एंड डिपेंडिंग ऑन द पोटेंशियल आपका ये जो पोटेंशियल का ग्राफ होगा अलग होगा, यानी जो यूनिवर्स की ज्योमेट्री या इन्फ्लेशन किस तरह से हो रहा है उसमें फर्क होगा। तो ऑब्जर्वेशनली भी इन्फ्लेशन को टेस्ट किया गया है, यानी इन्फ्लेशन ने जो प्रेडिक्शंस किए थे इन्फ्लेशनरी थियरी, ये जो बहुत ही मशहूर है एंड लाइक दे आर रियली गिविंग लॉट ऑफ डेटा, ये सैटेलाइट्स डब्ल्यू मैप, प्लैंक, बाइसेप, और इन सैटेलाइट्स ने जो मेजरमेंट्स किए, बेसिकली जो मेजरमेंट्स होते हैं वो है स्पेक्ट्रल इंडेक्स, टेंसर टू स्केलर रेशियो, जो बिग बैंग ने प्रेडिक्ट किए थे, ऑलमोस्ट सॉरी इन्फ्लेशन ने प्रेडिक्ट किए थे वो उससे कंफर्म हो रहे हैं ऑब्जर्वेशन से।
ना ही सिर्फ ये, इन्फ्लेशन ये भी कहता है कि जो इन्फ्लेशन में जो स्टार्टिंग फ्लक्चुएशंस होते हैं, बेसिकली फ्लक्चुएशंस वगैरह अगर आप छोड़ भी दें, तो बेसिकली जो हमारे स्टार्स वगैरह बन रहे हैं उनका भी जो स्टार्टिंग में जो फ्लक्चुएशंस की जरूरत होती है वो भी इन्फ्लेशन से ही पैदा होते हैं. सो इन्फ्लेशन इज इन ए वे रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर स्ट्रक्चर वी सी इन द यूनिवर्स. तो इन्फ्लेशन हैज बिकम वेरी सक्सेसफुल और इन्फ्लेशन से रिलेटेड उसके लिए लास्ट ईयर या उससे पहले नोबेल प्राइज भी मिला है. ठीक है, बट अगेन एवरी थियरी इज नॉट कम्प्लीट, उसके साथ भी जुड़े हुए होते हैं. जैसे ही ऑब्जर्वेशन आए, इतने सारे इन्फ्लेशन मॉडल्स में से कई इन्फ्लेशनरी मॉडल्स ऑब्जर्वेशन में फिट नहीं हो रहे, अदरवाइज थियोरिटिकली दे आर वेरी गुड मॉडल्स. तो इन इन मॉडल्स में क्या कमी है या क्या हम इन मॉडल्स को के स्टेटस तो इस इन मॉडल्स को हम फेवर में लाने के लिए दैट इज वेयर आवर वर्क इज कमिंग. तो हम इफेक्टिव फील्ड थियरी अप्रोच यूज कर रहे हैं. इफेक्टिव फील्ड थियरी अप्रोच में बेसिकली आप पूरे फुल थियरी यूज का अप्रोक्सीमेशन या रीनॉर्मलाइज्ड यूज करते हैं अलॉन्ग विद द करेक्शंस. सो बेसिकली अगर आप लोगों को मैंने पोटेंशियल बताया है, तो हमारे वर्क में हम जो है ये पूरा फुल इफेक्टिव फील्ड थियरी लेते हैं. तो ये जो हायर ऑर्डर टर्म्स जो सी एन फाइव एन एम प्लस आ रहा है, ये भी हम कंसिडर कर रहे हैं. तो इनको कंसिडर करने से वी एक्सपेक्ट के जो इन्फ्लेशनरी गुड इन्फ्लेशनरी मॉडल्स विच आर रूल्ड आउट कैन बी इंक्लूडेड. जैसे कि अगर यहाँ पर देखेंगे आप, तो सिर्फ सिंपल इन्फ्लेशन मॉडल में जस्ट एम स्क्वायर फाइव स्क्वायर है. अगर मैं इसको इफेक्टिव फील्ड थियरी से कंप्लीट लूंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टर्म्स आते हैं. तो ये सब जो है एप्सिलॉन ईटा साई स्क्वायर डी सिग्मा क्यूब, दीज आर इन्फ्लेशनरी पैरामीटर. आप इसमें देख सकते हैं, जैसा मैं इनिशियली भी बताया हूँ, ये सब पोटेंशियल पे डिपेंड करते हैं. तो आप चूंकि हम पोटेंशियल फुल पोटेंशियल या विद इंक्लूडिंग हायर ऑर्डर टर्म्स ले रहे हैं, सो दिस पैरामीटर्स विल बी मॉडिफाइड. सिमिलरली ये स्केल फैक्टर भी मॉडिफाई हो जाएगा. सो दिस आर माई कैलकुलेशन वेन वी टेक द फुल थियरी. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस कैलकुलेशन आर द मोस्ट जेनेरिक, मैं कह सकता हूँ इसमें अभी तक किसी ने इतना जेनेरिक नहीं किया, बिकॉज वी हैव नॉट इंप्लीमेंटेड पर्टिकुलर मॉडल, बिकॉज वी आर टेकिंग अ वेरी जनरल फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल. ठीक है, सो एज यू कैन सर आई विल जस्ट वाइंड अप. सो दिस आर द आवर रिजल्ट एंड दिस इज एक्चुअली वॉट वी मेजर स्पेक्ट्रल टू टेंसर रेशियो. एंड नीचे कैओटिक इन्फ्लेशन में हमने जो एक पर्टिकुलर सिंपलेस्ट मॉडल है विथ आवर करेक्शंस वी हैव टेकन विच इज द सेकेंड टर्म यू कैन सी सी एन फाइव एन, और उसको लेकर हमने ये इन्फ्लेशनरी पैरामीटर्स कैलकुलेट किए. सो जो हमारे रिजल्ट्स है दैट आर इन एग्री फॉर एन इज इक्वल टू सिक्स सिक्स डायमेंशन के लिए इन जो ये पब्लिश वर्क है उससे इन दे आर इन लाइक एग्रीमेंट विद दैट. So then I have extended my work to if we go to we can go to any dimensions like 6, 7, 8, 9 and definitely whatever these modifications are there they are very relevant. Or agar hum inko neglect karte hain to whatever we get the results are in agreement with the standard results. So yahan par maine ek graph present kiya. So this is our results, one of the results. And hopefully these are within the range of the parameters. So I'll just conclude. Inflation plays an ahem role karta hai, ada karta hai early universe ko explain karne mein, aur isko observation se iski tasdeeq ki gayi hai. लेकिन कुछ इन्फ्लेशन मॉडल्स प्रॉब्लम में आ रहे हैं. लेकिन हम इफेक्टिव फील्ड थियरी का अप्रोच जब लेते हैं, तो इन मॉडल्स को हम उम्मीद करते हैं कि देयर स्टेटस इज गोइंग टू चेंज एंड देयर इज वर्क गोइंग ऑन. हमारे पर्टिकुलर स्टडी में हमने बहुत ही जनरलाइज्ड इफेक्टिव थियरी पोटेंशियल लिया है, जिसको हम कोई भी मॉडल में यूज कर सकते हैं. यू कैन फिट इन एनी मॉडल आवर यूजिंग आवर थिंग. सो दिस बेसिकली व्हाट एवर द हायर डायमेंशनल ऑपरेटर्स वी आर यूजिंग are responsible for bringing in the modifications to these models of the inflation. And our for n is equal to 6, our results are in agreement with the others. But our results are general, as in ke hamare results koi bhi dimension ke liye valid hai. And we have already plotted the graphs. And next thing is we are stuck up in comparing with the observations. So that is the next step we are planning to do. But early analytically, the results are very promising. And I thank you for giving the opportunity. Thank you. Response, thank you very much for your elaborate presentation. You have taken 10 more minutes. 10, sir. 25. Sorry, sir.
Okay. So now I would like to invite Dr. Priya Hassan for her presentation on Falkiyat mein machine learning, astronomy mein machine learning. Ji, shukriya sir, thank you. Ma'am, you just you have 15 minutes. Yes, sir. Yes. So try to wind up in that one and. Yes, sir. सर ठीक से दिखाई दे रहा ना मेरा स्क्रीन ओके ठीक है जी तो हेलो एवरीवन मैं बात करने वाली हूँ आज चूंकि मल्टी डिसिप्लिनरी की बात हुई है ये मीटिंग के लिए तो मैं बात करने वाली हूँ अबाउट फलकियात में मशीन लर्निंग यानी कि मशीन लर्निंग को किस तरह से एस्ट्रोनॉमी में इस्तेमाल किया जाता है और ये काम किया गया कुछ स्टूडेंट्स के साथ जिसके नाम मैंने यहाँ पे आपको बताया है ये है महमूद मेरा स्टूडेंट मुदसर जो बाद में भी बात करेगा एंड एंड हमारे प्रोफेसर हसन साहब ठीक है तो पहली चीज़ ये है कि आखिर मशीन लर्निंग है क्या मशीन लर्निंग क्या करता है ये बेसिकली चेंजेस करता है सिस्टम में जिससे हम लोग कुछ टास्क जो है अगर हम लोग कुछ टास्क को ज़्यादा एफिशिएंटली ज़्यादा बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो वो हमें करता है मशीन लर्निंग से और इसको करने के बेसिकली दो तरीके हैं एक तरीका है जिसमें आपको नया नॉलेज या नया इल्म हासिल होता है या तो आपको नए फैक्ट्स मालूम होते हैं या तो आप कुछ नए स्किल्स इस्तेमाल करते हैं और दूसरी चीज़ है अडेप्टेशन से बिहेवियर का अडेप्टेशन करना जिससे आप सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को कुछ मुश्किलात को ज़्यादा एक्यूरेटली और ज़्यादा एफिशिएंटली नेक्स्ट चीज़ यह है कि आखिर लर्निंग क्या है लर्निंग का मतलब क्या है या सीखना जिसको हम लोग बोलते हैं सीखना इसका मतलब क्या है तो लर्निंग जैसे हम लोग आमतौर ज़िंदगी में जब बात करते हैं लर्निंग या लर्नड आदमी वो वैसे लोग होते हैं जिसको किसी तरह से एक्सपीरियंस से उनका जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होता है क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है कुछ चीज़ की और इसके वजह से वो कुछ काम बेहतर कर सकता है और क्या काम करना है हमें क्या किस्म के काम करने हैं हम या तो करते हैं काम ये जिसमें हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं ये है काम फॉर एग्जांपल क्लासिफिकेशन का अगर हम कोई चीज़ को क्लासिफाई करने की कोशिश करना चाहते हैं या उसको क्लस्टर करना चाह रहे हैं कैटेगराइज करना चाह रहे हैं कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं या कोई प्रिडिक्शन करना चाहते हैं तो उसी के लिए हम लोग ये इल्म इस्तेमाल करेंगे राइट तो आई थिंक यस ओके सॉरी या तो इन शॉर्ट तो हम लोग क्यों करते हैं ये मशीन लर्निंग तो मशीन लर्निंग से बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो मशीन है जो कंप्यूटर है ये बेहतर तरीके से कंप्यूट कर सकता है और किस तरह से करता है ये हम लोग कुछ डेवलप करते हैं सिस्टम्स को और वो सिस्टम्स को हम लोग इस तरह से डेवलप कर सकते हैं ताकि उसको अगर कुछ लर्निंग प्रोसेस करेंगे तो उसके साथ वो बेहतर तरीके से वो काम कर सकेंगे जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं और ये किस तरह से इस्तेमाल करता है होता है ख़ास फलकियात में हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है डेटा और ये डेटा बेसिस जो है ये बहुत बड़े बड़े होते हैं और इसीलिए हम लोग किसी तरह से इनको अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं अब जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने लिखा है कि इसका इस्तेमाल कई चीज़ों के लिए हो सकता है हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट स्टडी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चीज़ को बेचना है तो वो मार्केट स्टडी के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कि किस तरह से कोई प्रोडक्ट को बेच सकते हैं या किसी प्रोडक्ट किस किस्म के प्रोडक्ट लोगों को चाहिए या इसको इलेक्शंस में भी इस्तेमाल किया गया है इसको कई चीज़ों में इस्तेमाल किया गया है फॉर एक्चुअली टू गेट बेटर दिस थिंग्स और वही मैं बताना चाह रही हूँ कि कई रिलेटेड डिसिप्लिनस है जिसमें हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें इस्तेमाल होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा माइनिंग यानी कि हम लोग किस तरह से डेटा को हासिल करते हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स उसके चीज़ें किस तरह से पता करते हैं राइट और सॉरी एक मिनट या और आप देख सकते हैं इसमें कई और एप्लीकेशंस होते हैं कई और डिसिप्लिन्स का
जो इस्तेमाल होते हैं ये इस किस्म के काम के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि हमारे जो ह्यूमन लर्निंग, हम लोग भी आमतौर की जिंदगी में हम लोग भी लर्न करते हैं, राइट, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपीरियंस, यानी कि जो एक्सपीरियंस से हम लोग चीज़ों को सीखते हैं, हम लोग इस तरह से एनिमल लर्निंग रहता है जिसको हम लोग सीखते हैं, उसी तरह से हम चाहते हैं कि हमारे मशीन्स भी कुछ चीज़ें सीखे, राइट। तो हम लोग वो सीखने को हम लोग एक्चुअली यूज़ करते हैं वर्ड ट्रेनिंग, राइट, यानी कि हम लोग किसी तरह से इसको ट्रेन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग ये पूरे तस्वीरें जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, आप देख सकते हैं कि इसमें तीन है बबर और एक है फ्रॉग, राइट। अब हम लोग डायरेक्टली इसको देख के पहचान सकते हैं कि इसमें से कौन सी चीज़ अलग है कंपेयर टू दी अदर्स, राइट। लेकिन किस तरह से मशीन ये चीज़ को पहचान सकेगा कि यहाँ के बाकी के तीन बबर है और एक आपका फ्रॉग है, किस तरह से मशीन ये चीज़ को पहचानता है, हमें उसको ट्रेन करना है, राइट, ताकि वो ये चीज़ों को पहचान सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं, ये पिक्चर्स में भी कौन सी चीज़ें सिमिलर है और कौन सी चीज़ें अलग है, राइट। तो आप किस तरह से ये चीज़ों को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, राइट, और इसीलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग में हम बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग सिस्टम को यानी कंप्यूटर को ट्रेन करते हैं, ट्रेन करते हैं लर्निंग के लिए, सिखाने के लिए, ताकि वो एक किस्म के सोच के जैसे सोच सकते हैं। अभी शायद ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगी जिससे आप ये ज़्यादा क्लियर तरीके से समझते हैं। तो इन शॉर्ट, मशीन लर्निंग बेसिकली इस किस्म का काम है। तो एक और एग्जांपल है ट्रेनिंग एक्सपीरियंसेस। एक तो हमारे डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस है, जिसलिए हम लोग इनपुट आउटपुट पेयर्स बनाते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस, अलग किस्म के एक्सपीरियंसेस होते हैं जिससे हम लोग ये लर्निंग करते हैं। अच्छा, तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग प्रोवाइड करते हैं रैंडम एग्जाम्पल्स आउटसाइड द लर्नर कंट्रोल, और हम लोग ट्रेन करते हैं सिस्टम को, सिखाते हैं कि क्या किस्म के एग्जाम्पल्स है, राइट, और फिर यही ट्रेनिंग सेट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि सिस्टम चीज़ों को सीख सके, राइट। तो हम लोग, अभी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग किस किस्म के ट्रेनिंग और टेस्ट एग्जाम्पल्स को यूज़ करते हैं, और इस तरह से हम लोग कलेक्टिव क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं और लर्निंग ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। अब इसके लिए कई किस्म के एल्गोरिथम्स इस्तेमाल होते हैं, यानी कि कई तरीके होते हैं जिससे हम लोग ये चीज़ करने वाले हैं, राइट। प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन, इंटेंशन, ट्रांसफ़र लर्निंग, कंटिन्यूस लर्निंग। अब हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं एग्जाम्पल, ये जो टॉक में हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, ये है डेटा फ्रॉम एक यूरोपियन सैटेलाइट है जिसका नाम है गाया। मेरे स्टूडेंट मुदस्सिर रजा इसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे, ये सैटेलाइट के बारे में। लेकिन हम लोग ने ये सैटेलाइट का डेटा लिया टू स्टडी स्टार क्लस्टर्स, राइट, और इसके ये जो है DR2 है, ये डेटा रिलीज 2 है। इसमें हम लोग ने एक, जब हम लोग मशीन लर्निंग करते हैं तो सुपरवाइज्ड करते हैं या अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक करते हैं, तो हम लोग ने इसमें इस्तेमाल किया सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन मेथड, और ये मेथड जो अप्लाई किया इसका नाम है रैंडम फॉरेस्ट। तो हम लोग ने बेसिकली 9 क्लस्टर्स लिए, जिसका जो गैलेक्सी में है, कहकशां में है, अलग अलग डिस्टेंसेस पे, अलग लैटिट्यूड्स और अलग लॉन्गिट्यूड्स पे। और ये वाले जो मेरे क्लस्टर्स थे उनके लिए हम लोग ने किया मेंबरशिप स्टडी। मेंबरशिप का मतलब क्या है कि जब हमारे, इसके बारे में मुदस्सिर रजा ज़्यादा बात करेंगे, कि स्टार क्लस्टर्स में कई स्टार्स रहते हैं जिसमें से कुछ होते हैं उसके मेंबर्स और कुछ नॉन मेंबर्स होते हैं। हम लोग ट्रेनिंग सैंपल यूज़ करते हैं जिसमें मेंबर्स डिफाइंड है, और उसी का इस्तेमाल करके हम लोग और मेंबर्स को ढूंढते हैं यही क्लस्टर्स में। तो यहाँ पे जो प्लॉट्स देख रहे हैं आप, ये जो राइट हैंड प्लॉट है, ये आपके ये कुछ क्लस्टर्स हैं। तो ये जो ऑरेंज में है, ऑरेंज में हमारा ट्रेनिंग सेट था, यानी कि हम लोग ने एक और पेपर से निकाले मेंबर्स, यानी जो स्टार्स हमें मालूम है मेंबर्स है, और इसके बेसिस पे हम लोग ने मशीन लर्निंग के ज़रिए और मेंबर्स को निकाले जो आपके ब्लू कलर में दिखाई देते हैं। तो आपको दिख रहा है क्लियरली कि ये जो क्लस्टर्स थे जिसमें हम लोग कम मेंबर्स को जानते थे, ऑरेंज वाले डॉट्स हैं, अब हमारे पास ज़्यादा है जो ब्लू वाले हैं।
हम लोगों ने उसको प्लॉट किया ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ पैरालैक्स. पैरालैक्स हमें देता है डिस्टेंस टू स्टार्स. अब ये जो स्टार्स के गुच्छे रहते हैं या स्टार क्लस्टर्स रहते हैं, इसके सभी स्टार्स सेम डिस्टेंस पे होते हैं, और इसीलिए ये जो मेंबर्स और नॉन मेंबर्स आप देख सकते हैं, ये इस तरह से पीक करते हैं एक फिक्स पॉइंट पे, जो बताता है डिस्टेंस टू द क्लस्टर. यानी कि ये सभी स्टार्स यही डिस्टेंस पे है, फिक्स डिस्टेंस पे है. और इसके बेसिस में देखिए, हम लोग ने इनके वेलोसिटीज, ये गाया हमें देता है वेलोसिटी डेटा, डिस्टेंस डेटा और पोजिशंस. तो हम लोग ने ये वेलोसिटी स्पेस है जो आप लेफ्ट में देख रहे हैं, वेलोसिटी स्पेस में प्लॉट करके बताया कि किस तरह से ये सब स्टार्स जो है एक ही वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं. उसमें थोड़ा सब स्ट्रक्चर भी है, यानी कि कुछ स्टार्स है जो थोड़े अलग वेलोसिटी से मूव हो रहे हैं, जो भी मेंबर्स है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं. और ये है स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि किस तरह से स्पेशली, ये है ट्रेनिंग सेट, ये है नए स्टार्स, और ये है दिस प्लस दिस, ये दोनों को मिला लिए तो हमें ये प्लॉट आता है. तो इस तरह से हमें ये गुच्छों को, स्टार क्लस्टर्स को सीखने का बेहतर तरीका मिलता है, जिसमें हम लोग इसमें अब सब स्ट्रक्चर, यानी कि इसमें और भी जो स्ट्रक्चर्स है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जो ये गुच्छे हैं इसमें ये सब स्ट्रक्चर्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं. और इसी के साथ हम लोग ने प्लॉट किए हैं यहाँ पे, इसको बोला जाता है कलर मैग्नीट्यूड डायग्राम्स. ये डायग्राम्स रहते हैं स्टार्स के जो गुच्छे होते हैं उसमें, बेसिकली स्टार्स के जो, ये है वाई एक्सिस पे ल्यूमिनोसिटी रहता है, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर रहता है. और इसको अगर ये स्टार्स का गुच्छा है तो देखिए, ये जो ऑरेंज स्टार्स है जो प्रीवियस ट्रेनिंग सेट था, आप देखते देख सकते हैं कि कितने अच्छी तरीके से स्टार्स पूरे एक ऐसे लाइन पे आते हैं जिसको हम लोग बुलाते हैं मेन सीक्वेंस. और ये जो ब्लू वाले हैं, ये जो एक्स्ट्रा वाले हैं जो हमें मिले हैं इन टर्म्स ऑफ द एक्स्ट्रा मेंबर्स जो हम लोग ने आइडेंटिफाई किए हैं मशीन लर्निंग को अप्लाई करने से. तो ये है हमारे 9 क्लस्टर्स, ये जो मैंने आपको प्लॉट करके बताया है, ये 9 क्लस्टर्स है जिसके लिए हम लोग ने ये चीज़ें प्लॉट किए हैं, राइट. अब इसको वैलिडेट करना भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है, यानी कि हमें पता करना है कि किस तरह से हमें मालूम हो कि हमने जो सिलेक्ट किए हैं एक्स्ट्रा मेंबर्स को, सॉरी, ये हम लोग ने जिस तरह से मेंबर्स को सिलेक्ट किया है, क्या ये मेंबर्स जो है ये अच्छी तरह से आइडेंटिफाई हुए हैं कि नहीं. तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका है मशीन लर्निंग में, यानी कि आपके जो ट्रेनिंग सेट में, सपोजिंग आपके पास 100 पॉइंट्स है तो आप सिर्फ 70% को यूज़ करते हैं, 30% को आप सैम्पल में ही रख देते हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये 30% स्टार्स को आप रिट्रीव कर सकते हैं कि नहीं, जब आप ये मशीन लर्निंग का एक्सरसाइज करते हैं. तो यहाँ हम लोग ने अलग अलग पैरामीटर्स को प्लॉट किए हैं, यानी कि ये स्टार्स के अलग पैरामीटर्स को प्लॉट करके देखा है कि किस तरह से कौन से पैरामीटर्स इम्पॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करने मेंबर्स के लिए, राइट. ताकि हमें मालूम हो कि ये आइडेंटिफिकेशन में हमने कितने अच्छी तरह से आइडेंटिफाई किया, यानी कि हम लोग ये जो 30% थे जो हम लोग ने सिस्टम के ट्रेनिंग में इस्तेमाल नहीं किया है, वो 30 को क्या हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नहीं, राइट. और हम लोग ने पता किया कि हम लोग मोर देन 90% ऑफ स्टार्स को रिट्रीव करते हैं. तो हमारे फाइनल रिजल्ट्स ये है कि हमारे, ये है हमारे 9 क्लस्टर्स जिसके लिए हम लोग ने साइजेस को डिफाइन किया. ये मैं जब डेटा लिया तो फिल्टर किया कुछ क्राइटेरिया के साथ, नॉन मेंबर्स को ढूंढे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रेशियो ऑफ न्यू मेंबर्स टू ओल्ड मेंबर्स, ये CG जो है ये ओल्ड मेंबर्स है. तो हम लोग, आप देख सकते हैं कि हमारे नए मेंबर्स 2-3 गुना, ऑलमोस्ट 4-3.5 गुना बढ़ गए हैं नंबर ऑफ स्टार्स, जिसके वजह से हमें बहुत सारा फायदा होता है उनको स्टडी करने के लिए. तो ये है मेरा फाइनल स्लाइड, ये जो है हमारे रिजल्ट्स. तो हम लोग ने स्टडी किया ये जो 9 क्लस्टर्स है उनको मशीन लर्निंग के जरिए, हम लोग ने आइडेंटिफाई किया और मेंबर्स को, और इसी तरह से हम लोग ने आइडेंटिफाई किया एस्केप्ड मेंबर्स को, यानी कि जो दूर हो गए हैं उस किस्म के मेंबर्स को.
हम लोग ने सब स्ट्रक्चर वेलोसिटी स्पेस में और स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन में सब स्ट्रक्चर को भी आइडेंटिफाई किया है, और इस तरह से ये जो क्लस्टर्स है इनके मेंबर स्टार्स को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की। और इसके ये करने से हमें क्या होता है कि हम लोग ये स्टार क्लस्टर्स को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे मेंबर स्टार्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो हम लोग स्टडी कर सकते हैं उसके मास फंक्शन को, उसके रिवाइज्ड रेडियस को, उसके रिवाइज्ड स्टार्स को, उसके एस्केप मेंबर्स को, और इस तरह से हम लोग इसको उसके स्टडी को बेहतर कर सकते हैं। तो ये पेपर ऑलरेडी अभी ये कोविड टाइम्स में ही ये काम हुआ है और ये पेपर पब्लिश हो चुका है यूरोपियन फिजिकल जर्नल में और छप भी चुका है। और मैं इसी से वाइंड अप करूँगी कि इस तरह से मशीन लर्निंग, ये जो एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मशीन लर्निंग मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा तो फलकियात है, लेकिन इस तरह से मशीन लर्निंग को जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं फलकियात में, क्योंकि फलकियात में हमारे पास बहुत सारा डेटा है, तो इस तरह से हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई क्लासिफाई करने, यानी कि इस तरह से मेंबर्स को आइडेंटिफाई करने, और इस तरह से हम लोग को क्लीनर इमेजेस मिलते हैं, यानी कि क्लस्टर्स में हम लोग सिर्फ मेंबर्स को पता कर सकते हैं। लोग इसको इस्तेमाल करते हैं फॉर मेकिंग शेड्यूल्स, मेकिंग सिमुलेशंस भी, और इस तरह से ये बहुत ही पावरफुल टूल है जो डेटा एनालिसिस में इस्तेमाल किया जाता है। और यही काम हम लोग कंटिन्यू करेंगे मुदसर और मेरे दूसरे स्टूडेंट सैफ के साथ उनके पीएचडी थीसिस में। सो शुक्रिया, थैंक यू प्रियासन, थैंक यू वेरी मच फॉर गेस्टिंग योर टॉक विद इन द टाइम अलॉटेड टाइम। कितना टाइम हुआ सर? कम बराबर 16 मिनट्स हुआ आपका। अरे शुक्रिया। ओके, so with the permission of chair, can I call another presenter, sir? Yes. So now these are the participants, na? Na, abhi ye to 3 faculty member, iske baad aayega. Theek hai. Here Rizwan was there, na? Rizwan, Priya Hasan, now Zeenat Fatima, these 3 are faculty members. Okay. Fourth onwards, we have students. Okay. Dr. Zeenat Fatima, please, are there? Yes, okay. Sir. Sir, I'm trying to present my screen. I need permission. You have permission. You have. Okay. You have only 15 minutes. Within that time, you need to wind up. Okay. All right, sir. So, present over as a screen? Yeah. जी, just go and slide. Slide show करिए. आरा सब परफेक्ट स्लाइड शो। ओके 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 परफेक्ट ओके ऑलराइट। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। या ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरे मकाले का उनवान है एक पिरोलिडीन डेरिवेटिव का क्रिस्टल स्ट्रक्चर एनालिसिस और एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज के खिलाफ सालमाती डॉकिंग स्टडीज। A plan of the talk, introduction to X-ray crystallography, materials and methods, introduction to molecular docking, materials and methods, and then crystal structure analysis of the compound, molecular docking studies, results and discussion, and conclusion. Taruf. One second. Okay. सो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मादे की साख्त और मॉलिक्यूल्स में एटम्स के अरेंजमेंट के तायुन के लिए दस्तयाब सबसे ताकतवर आला है। दुरुस्त सालिमाती साख्त का इल्म दवाओं के डिजाइन और मौसर इलाज और अद्वियात की तरक्की में मदद के लिए जरूरी है। क्रिस्टलोग्राफी बहुत से साख्त से मुतालिक सवालात का जवाब फराहम कर सकती है, मैक्रोमोलिकुलर फोल्ड से लेकर जौहरी बंदिश की तफसीलात तक, और सालमात के स्ट्रक्चरल और कन्फर्मेशनल मुताले उनके काम को समझने के लिए जरूरी हो जाते हैं। सिंगल क्रिस्टल एक्सरे डायफ्रैक्शन सालमाती जहतों की दुरुस्त और सही पैमाइश
इस तरह फराहम करता है कि कोई और साइंस इस तक रसाई नहीं कर सकती। इस स्लाइड में हम स्टेप्स देख सकते हैं स्ट्रक्चरल डिटरमिनेशन में। पहला स्टेप है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलोग्राफी से हम एक इम्प्योर क्रिस्टल में डिसऑर्डर को भी कैरेक्टराइज कर सकते हैं, लेकिन जनरली एक कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए एक हाई रेगुलरिटी का प्योर क्रिस्टल की जरूरत होती है। स्मॉल मॉलिक्यूल क्रिस्टलोग्राफी में हम क्रिस्टलाइजेशन के लिए बहुत से मेथड्स एम्प्लॉय कर सकते हैं, जैसे कि केमिकल वेपर डिपोजिशन, रिक्रिस्टलाइजेशन और स्लो एवेपोरेशन। मेरे कंपाउंड को हेक्सेन और इथाइल एसिटेट के 30:70 सॉल्वेंट प्रोपोर्शन में स्लो एवेपोरेशन से क्रिस्टलाइज किया गया है। फिर हम क्रिस्टल को अप्रोप्रिएट डाइमेंशंस में कट करते हैं और फिर हम गोनियोमीटर हेड को से माउंट किया करते हैं। फिर डेटा कलेक्शन यानी डिफ्रैक्शन के लिए उसे माउंट करने के बाद हम लोग ब्रैग्स इंटेंसिटी कलेक्ट करते हैं और फिर डेटा को रिड्यूस किया जाता है और फिर स्पेस ग्रुप को डिटरमिन करते हैं और फिर स्ट्रक्चर सॉल्यूशन होता है जहां पे हम फेजेस मालूम करते हैं और फिर ली स्क्वायर रिफाइनमेंट करते हैं, जो ट्रायल डेटा का ली स्क्वायर रिफाइनमेंट होता है, और फिर फाइनली हमें 3D स्ट्रक्चर मिल जाता है और फिर उसका एनालिसिस किया जाता है। ये इस्तेमाल शुदा प्रोग्राम्स है डेटा कलेक्शन के लिए। ब्रूकर स्मार्ट एपिक्स 2 सिंगल क्रिस्टल CCD एक्सरे डायफ्रैक्टोमीटर का इस्तेमाल किया है। डेटा रिडक्शन के लिए सेंट प्रोग्राम का इस्तेमाल हुआ है। स्ट्रक्चर सॉल्यूशन के लिए शेलिक्स 97 का इस्तेमाल किया है। स्ट्रक्चर रिफाइनमेंट के लिए शेलिक्स 97 प्रोग्राम। ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स को मेजर करने के लिए प्लेटन और पास्ट का इस्तेमाल करा है और मॉलिक्यूलर ग्राफिक्स के लिए ऑटिप 3 और मर्करी का इस्तेमाल किया है। ये पिक्चर जो ये स्लाइड में दिखाई दे रही है ये बेसिकली मॉलिक्यूलर डॉकिंग के लिए को रिप्रेजेंट करती है। ये जो ब्लैक कलर का मॉलिक्यूल दिख रहा है हमें, ये बेसिकली एक टारगेट है और ये जो छोटा मॉलिक्यूल है, स्मॉल मॉलिक्यूल जो है, वो एक लाइगेंड है। जो टारगेट मॉलिक्यूल या जो रिसेप्टर होता है वो जनरली कोई एक स्पेसिफिक की मॉलिक्यूल होता है जो कि कोई स्पेसिफिक मेटाबॉलिक पाथवे में इन्वॉल्व होता है या किसी पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड होता है। और लाइगेंड जो है या तो कोई ड्रग होता है या फिर कोई नया कंपाउंड होता है जिसकी हम ड्रग एक्टिविटी देखना चाह रहे हैं। अध्यात्म के अमल में लाइगेंड और रिसेप्टर को आमतौर पर जनरली जो एक प्रोटीन होता है, इन दोनों के दरमियान मॉलिक्यूलर बाइंडिंग के जरिए कीमियाई रद्दिक अमल को रोका जाता है और बिलासिया बीमारी की प्रोग्रेस को रोक दिया जाता है। इस बाइंडिंग कॉन्फर्मेशन में लाइगेंड और रिसेप्टर ज्योमेट्रिक और केमिकल कॉम्प्लीमेंटैरिटी एग्जिबिट करते हैं जो कि एक सक्सेसफुल ड्रग एक्टिविटी के लिए जरूरी है। और इसी कंप्यूटेशनल प्रोसेस जिसमें हम एक ऐसे लिगेंड को तलाश कर रहे हैं जो एनर्जेटिकली और ज्योमेट्रिकली प्रोटीन के बाइंडिंग साइट में फिट हो जाए, मॉलिक्यूलर डॉकिंग कहते हैं। मॉलिक्यूलर डॉकिंग स्टडीज के लिए मैंने श्रोडिंगर के ग्लाइड सॉफ्टवेयर में माइस्ट्रोग्राफिकल यूजर इंटरफेस में इंड्यूस फिट डॉकिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया है। हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस के लिए लिक प्लॉट का इस्तेमाल किया है। इस पेपर में जिस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिटरमिन कर रहे हैं वो एक पिरोलिडीन डेरिवेटिव है और पिरोलिडीन रिंग बहुत से अहम कंपाउंड्स में पाया जाता है जो कि एंटी कैंसर, एंटी बैक्टीरियल, एंटी एमनेसिक, एंटी एपिलेप्टिक और बहुत सारे एक्टिविटीज एग्जिबिट करता है। पिरोलिडीन 2,5-diones भी बहुत ही हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है जो कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस में और मेडिसिनल केमिस्ट्री में बहुत अहमियत रखता है। इसकी सिग्निफिकेंस को जहन में रखते हुए इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर स्टडीज की गई हैं।
इस स्लाइड पे मेरे कंपाउंड का क्रिस्टल डेटा है. ये जो है ये मेरे कंपाउंड का 2D डायग्राम है और जो IUPAC नेम है इस कंपाउंड का वो है 1,2,3 मिथॉक्सी फिनाइल इथाइल पिरुलिडीन 2,5-डायोन. हम सिंप्लिसिटी के लिए इसे कंपाउंड 1 कहेंगे. क्रिस्टल स्ट्रक्चर के डिटेल्स टेबल में मौजूद हैं. कंपाउंड का एम्प्रिकल फॉर्मूला C13H15NO3 है और ये मोनोक्लिनिक सिस्टम में क्रिस्टलाइज हुआ है.